फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन उसके मॉम डैड चाहते हैं कि कोरिया एक बहुत ही बड़े स्कूल में पढ़े, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो कोरिया के फीस भर सके। इसलिए कोरिया स्कॉलरशिप के जरिए उस स्कूल में पहुंच जाती है। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहता है। कोरिया जब एक दिन पढ़ाई कर रही होती है कि तभी उसके पास एक लड़की आती है और कोरिया से कहती है, हेलो मेरा नाम हाना है और मैं अभी अभी अमेरिका से आई हूँ। लेकिन कोरिया तो उसे पहले अजीब नजरों से देखने लगती है और फिर मुस्कुराते हुए कहती है, मेरा नाम कोरिया है। तो हाना उसे पूछती है, तुम यहाँ अलग क्यों बैठी हो? तो कोरिया उसे बताती है कि मैं यहाँ स्कॉलरशिप पे आई हूँ, इसीलिए मुझे बाकी बच्चों से ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है। वे दोनों में काफी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। तभी कोरिया हाना से कहती है, क्या तुम्हें वो तीनों लड़कियाँ दिख रही है? वो हमेशा सभी को परेशान करती है क्योंकि वो बहुत ही अमीर घर से है और मेरे जैसे स्कॉलरशिप पर पढ़ने वाले बच्चे कम ही होते हैं। तभी हाना यहाँ से उठकर अपना लंच बॉक्स लेती है और कोरिया से कहती है, क्या तुम इसे खाओगी? मुझे तुम्हारा दोस्त बनना है। ये सुनकर कोरिया तो काफी खुश हो जाती है क्योंकि कोरिया को लगता है कि गरीब लोगों से कोई दोस्ती नहीं करता है। तभी कोरिया हाना से कहती है, क्या तुम्हें इस स्कूल के बारे में कुछ भी पता है? तो हाना कहती है, जितना टीचर ने बताया बस उतना ही। तो कोरिया उसे पूछती है, क्या तुम्हें इससे पहले कोई भी स्कूल में तंग किया जाता था? तो हाना कहती है, बिल्कुल नहीं। तभी कोरिया उसे बताती है, अगर तुम्हें इस स्कूल में रहना है तो तुम्हें अपना बचाव खुद करना होगा क्योंकि यहाँ पे सबको बहुत ही बुरी तरह से रैगिंग किया जाता है। ये स्कूल जितना शांत और सेफ दिखाई देता है लेकिन ये अंदर से उतना ही डेंजर है। कोरिया हाना को इस स्कूल के बारे में बता ही रही होती है कि तभी अचानक से सबके फोन पे एक मैसेजेस आने लगता है। ये मैसेज देखते ही सारे स्टूडेंट वहाँ से दौड़ के भागने लगता है और कहता है, जल्दी चलो वरना लेट हो जाएगा। तभी दो तीन बड़ी बड़ी गाड़ी स्कूल के पास आके रुकती है जिसमें से कुछ लड़के उतरते हैं जो कि बहुत ही रिच और हैंडसम होता है और इन्हीं की फैमिली के डोनेशन की वजह से स्कूल भी चलता है। ये लोग स्कूल में काफी फेमस होता है और इसका एक ग्रुप होता है जिसे F4 के नाम से जाना जाता है और ये लोग एक गेम बनाया होता है जिसमें ये खुद ही जज करता है जो भी इसे पंगा लेता है और उनके लॉकर में रेड कार्ड मिलता है। इसका मतलब होता है कि उस स्टूडेंट के साथ कोई कुछ भी कर सकता है। अब सभी भागते हुए यहाँ आता है तो उसके साथ कोरिया और हाना भी आ जाती है। तभी एक लड़के के लॉकर में रेड कार्ड मिलता है तो ग्रुप में मैसेजेस होने लगता है कि पहला रूल मत भूलो। तो सभी स्टूडेंट उस लड़के को तंग करने लगता है और वो लड़का अपने क्लास का टॉपर होता है और पूरे स्कूल में CCTV कैमरा लगा होता है, इसीलिए सब उसे स्कूल से बाहर निकाल कर कॉजर स्टेडियम की ओर ले जाता है क्योंकि वहाँ पे एक भी कैमरा नहीं होता है। और आज उस टॉपर लड़के के साथ ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि वो इस स्कूल में चल रहे इस गेम को बाहर लोगों को बताना शुरू कर दिया था और कुछ वीडियो बनाकर भी सोशल मीडिया पे डाल दिया था। तभी उसके पास एक लड़का आता है जो बहुत ही हैंडसम होता है जिसे सारी लड़कियां अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है। इसका नाम थॉम होता है और ये इन चारों में से सबसे ज्यादा डेंजर और एरोगेंट होता है। इसके दिल में किसी के लिए भी कोई दया नहीं होती है और वो इस ग्रुप का कैप्टन होता है। और दूसरों का नाम एमचे होता है जो कि केवल पार्टियां करता है और वो एक माफिया भी होता है। और इसका नाम कविन होता है जो कि एक पुराने शाही फैमिली की वारिस होता है। ये जितना अमीर होता है उतना ही बड़ा लड़की बाज भी। ऐसा कोई रात नहीं गुजरता है जब ये कोई लड़की के साथ ना सोए। और इसका नाम रैन होता है जिसके पास कंट्री के सबसे अच्छे हॉस्पिटल होता है जहाँ पे गरीबों को फ्री में इलाज किया जाता है। ये बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन होता है और T4 ग्रुप से बहुत ही डिफरेंट होता है। और अब सब जो ही उस टॉपर बच्चे को मारना स्टार्ट करता है तो रैन यहाँ से चला जाता है। उस बच्चे को रैगिंग करते कोरिया और हाना भी देख रही होती है लेकिन कोरिया को ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा आता है लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रही होती है और गुस्से से यहाँ से चली जाती है और स्कूल के छत पे आगे जोर जोर से चिल्लाने लगती है और F4 के बारे में बहुत ही बुरा भला बोल रही होती है। कोरिया की बातें सुनने वाला यहाँ कोई नहीं होता है। ये बातें कोरिया को अच्छे से पता होता है इसलिए उसे जो जी में आता है वो F4 के बारे में बोलकर अपने दिल की भड़ास मिटा लेती है और यहाँ से चली जाती है। लेकिन वही छत पे रैन भी होता है और कोरिया की सारी बातें सुन रहा होता है लेकिन कोरिया उसे देख नहीं पाई। लेकिन रैन कोरिया की बातें सुनकर काफी मुस्कुरा रहा होता है। इधर कोरिया घर आती है और काफी गुस्से में होती है और कहती है, मुझे उस स्कूल में कुछ अच्छा नहीं लगता, मुझे वहाँ नहीं जाना है, क्या मैं एक सिंपल स्कूल में पढ़ाई नहीं कर सकती? तो कोरिया की मॉम उसे समझाती है और कहती है, अगर तुम उस स्कूल को छोड़कर छोटे स्कूल में जाओगी तो लोग क्या कहेंगे? ये सुनकर कोरिया काफी सैड हो जाती है। उसे तो अब कुछ भी समझ में नहीं आता है कि वो अब करे तो क्या करे। अब नेक्स्ट डे कोरिया जो ही स्कूल आती है तो हाना के साथ बैठ के कैंटीन में खाना खा रही होती है। तभी वहाँ पे F4 के सारे बॉयज आ जाता है और तभी हाना के हाथों से गलती से खाना गिर जाता है जो कि थॉम के जूते पर ही गिरता है। ये देख
देखकर हाना तो काफी डर जाती है और थॉम से माफी मांगने लगती है। तो थॉम कहता है मैं इसे माफ कर दूंगा लेकिन तुम्हें मेरे जूते को चाट कर साफ करना होगा। और तभी वहाँ के सारे स्टूडेंट भी हाना का मजाक उड़ाने लगता है। पर ये सब देखकर कोरिया को तो काफी गुस्सा आ रहा होता है, फिर भी वो किसी तरह अपने आप को कंट्रोल करके रखी होती है। लेकिन थॉम कुछ ज्यादा ही हाना पे जुल्म कर रहा होता है और कोरिया को अब बर्दाश्त नहीं होता है। वो थॉम के पास आगे कहती है ये सब बहुत ही ज्यादा हो रहा है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ये सब छोड़ दीजिए। कोरिया की बातें को सुनकर थॉम को और गुस्सा आता है और वो कोरिया से कहता है तेरी इतनी हिम्मत, ठीक है मैं तेरे फ्रेंड को छोड़ देता हूँ। ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। ये देखकर कोरिया तो काफी खुश हो जाती है लेकिन उसे पता ही नहीं होता है कि अब उसके साथ होने क्या वाला है। अब नेक्स्ट डे कोरिया जो है स्कूल आती है और अपना लॉकर जो है खोलती है तो देखती है उसके लॉकर में रेड कार्ड होता है और उसी वक्त सभी के फोन पे मैसेजेस आने लगता है और सभी स्टूडेंट काफी हैरान भी होता है क्योंकि आज पहली बार किसी लड़की को रेड कार्ड मिला होता है। अब कोरिया को समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो करे तो करे क्या। वो तेजी से भागते हुए मेडिकल रूम में आ जाती है और वहीं जाके छुप जाती है। पर वहाँ पर भी कुछ लड़के उसे ढूंढने आ जाता है जिसे देखते ही कोरिया यहाँ से भी किसी तरह भाग निकलती है और फिर से वहीं स्कूल के छत पे आ जाती है जहाँ पे पहले से रेन बैठा होता है, जिसे देखते ही कोरिया काफी डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। तो रेन उसे पकड़ लेता है और अपने पीछे छुपा लेता है क्योंकि वहाँ पर भी कुछ स्टूडेंट कोरिया को ढूंढने आया होता है। लेकिन रेन को देखते ही वो डर के मारे यहाँ से चला जाता है। लेकिन कोरिया तो रेन को देखकर काफी हैरान होती है, उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये मेरी हेल्प क्यों कर रहा है। अब रेन कोरिया को देख रहा होता है और कहता है मैं यहाँ शांति से सोने आता हूँ पर तुमने तो चिल्ला चिल्ला के इस जगह को अशांत कर दी। ये बोलकर रेन यहाँ से जाने लगता है और कोरिया से कहता है तुम चाहो तो यहाँ रुक सकती हो, तब तक ये गेम भी खत्म हो जाएगा। ये बोलकर रेन यहाँ से चला जाता है। तो कोरिया वहीं छिप जाती है और अब सुबह से शाम हो जाता है तो कोरिया को लगने लगता है कि अब तक सब जा चुका होगा। वो जो है वहाँ से बाहर निकलती है कि सभी फिर से कोरिया को पकड़ लेता है और एक रूम में लेके आ जाता है और उसकी गलत गलत वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी वहाँ पे रेन आ जाता है और कहता है अब बस बहुत हुआ अब जाओ यहाँ से। तो वो सारे लड़के वहाँ से चला जाता है लेकिन बाहर में आकर कोरिया का फिर से इंतजार करने लगता है और यहाँ पे कोरिया काफी ज्यादा रो रही होती है। तो रेन उसे कहता है तुम चाहते हो कि ये सारे लड़के यहाँ से चले जाए। ये बोलते बोलते रेन स्कूल के पानी के टंकी को फोड़ देता है जिसकी वजह से पूरे स्कूल में बारिश होने लगती है, जिसे देखकर ये सारे लड़के भी काफी डर जाता है क्योंकि इसे लगने लगता है कि इस पर कोई इल्जाम ना आ जाए, इसलिए सारे लड़के भी डर के मारे यहाँ से भाग जाता है। लेकिन यहाँ कोरिया को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार रेन उसकी हेल्प क्यों कर रहा है। अब कोरिया जो ही अपने घर आती है तो छुपकर अपने रूम में बैठी होती है और सोच रही होती है कि आखिरकार कल क्या होगा क्योंकि जिस बच्चे को रेड कार्ड मिला होता है उसे सब तब तक परेशान करता है जब तक वो स्कूल छोड़कर चलाना जाए। और तभी कोरिया के रूम में उसकी मॉम आती है और कोरिया से पूछती है क्या हुआ। तो कोरिया कहती है क्या मैं वो स्कूल को छोड़ नहीं सकती। तो कोरिया की मॉम कहती है बिल्कुल नहीं, हमारा सपना है कि तुम उस स्कूल में पढ़ो। कोरिया की मॉम उसे उसकी जूते देती है जो कि पूरी तरह से फट चुका होता है। लेकिन कोरिया अपने घर के फाइनेंशियल सिचुएशन को देखकर कभी भी अपने मॉम डैड से नए जूते नहीं मांगती है। नेक्स्ट डे किसी तरह हिम्मत करके कोरिया फिर से स्कूल आती है लेकिन उसे काफी डर लग रहा होता है कि आज फिर से कुछ ना हो जाए। वो जो ही अपनी लॉकर खोलती है तो आज रेड कार्ड नहीं होता है। ये देखकर कोरिया को थोड़ी जान में जान आती है लेकिन तभी उसी वक्त सभी के फोन पे एक मैसेजेस आने लगता है कि आज वो बचनी नहीं चाहिए। ये सब देखकर कोरिया काफी ज्यादा डर जाती है और उसी वक्त उसके एक पैर का जूते खुल जाता है। तो सारे स्टूडेंट कोरिया के वही जूते को लेकर ही यहाँ से भागने लगता है। तो कोरिया भी अपने जूते लेने के लिए उसके पीछे भागती है। अब सारे स्टूडेंट कोरिया के जूते को लेकर वही कोचर स्टेडियम में आ जाता है जहाँ पे पहले से ही थॉम मौजूद होता है और कोरिया के सामने ही उसके जूते को उठाकर फाड़ देता है और वही कचरे में फेंक देता है। लेकिन कोरिया जाकर उस जूते को कचरे से निकाल लेती है और पहन लेती है। ये देखकर थॉम कोरिया से कहता है क्या तुम कचरे पहनोगी। इतने में ही कोरिया थॉम के पेट में ही एक जोरदार लात मारती है। ये देखकर सभी एकदम से शॉक्ड हो जाता है और थॉम कोरिया से कहता है ये तुम क्या कर रही हो, क्या तुम्हें मरना है। तो कोरिया फिर से थॉम के ऊपर चढ़ जाती है और उसके कॉलर को पकड़कर कहती है अब बस बहुत हुआ मैं तुम्हारे हर चीज के खिलाफ लड़ूंगी। अब थॉम कोरिया के साथ कुछ कर पाता उतने में ही वहाँ पे टीचर आ जाती है। तो सारे स्टूडेंट के साथ साथ कोरिया भी यहाँ से चली जाती है लेकिन अभी भी सभी ग्रुप में मैसेज कर कोरिया के खिलाफ काफी बुरा भला बोल रहा होता है। लेकिन थॉम काफी सोशल मीडिया पे काफी इंसल्ट हो रहा होता है क्योंकि कुछ बच्चे थॉम का मार खाने का वीडियो सोशल मीडिया पे डाल दिया होता है। अब नेक्स्ट डे कोरिया जो ही अपने घर से बाहर निकलती है कि तभी कोई उसे किडनैप कर लेता है। वो किडनैप करने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि थॉम ही होता है। लेकिन कोरिया तो यहाँ पे काफी चिल्ला रही होती है कि पता नहीं अब मेरे साथ क्या होगा। लेकिन थॉम के सारे सर्वेंट कोरिया का मेकअप करने लगती है और बिल्कुल एक राजकुमारी की तरह सजाकर उसे थॉम के सामने लेके आती है। अब कोरिया जो ही अपने
आपको शीशे में देखती है तो उसे महसूस होता है कि वो काफी खूबसूरत है। तभी थॉम कोरिया के पास आके कहता है, तुझे यही सब चाहिए ना, मैंने तुझ पे 50 लाख रुपए खर्च किए और ये लो कार की चाबी, ये भी तेरे लिए है, पूरे 1 करोड़ मैंने तुझ पे खर्च किया, बदले में तुझे बस एक काम करना होगा, एक वीडियो क्लिप बनाकर मुझसे माफी मांगनी होगी और मैं उस वीडियो को ग्रुप में और सोशल मीडिया पे अपलोड करूंगा। तो कोरिया कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी और मुझे ये तुम्हारी बकवास की चीजें नहीं चाहिए। कोरिया यहां से भागने की कोशिश कर रही होती है लेकिन थॉम उसे जाने नहीं दे रहा होता है। फिर भी कोरिया किसी तरह वहां से भाग निकलती है लेकिन थॉम का घर इतना बड़ा होता है कि उसे बाहर जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा होता है। इतने में ही वहां पे थॉम की मॉम आ जाती है जो कि एक बहुत बड़ी बिजनेस वूमेन होती है और दोनों को लड़ाई करते देखकर वो अपने मैनेजर से कहती है उसे हैंडल करने को। तो थॉम की मॉम का मैनेजर कोरिया को घर से बाहर निकाल देता है। नेक्स्ट डे कोरिया जो ही स्कूल आती है तो देखती है उसके क्लासमेट सभी बोर्ड पे कुछ लिख रहा होता है। कोरिया जो ही नजदीक जाके देखती है वो सब कोरिया के बारे में ही काफी गंदी गंदी बातें लिख रहा होता है। ये देखकर कोरिया को काफी गुस्सा आता है, वो वहां से बाहर निकल जाती है और स्कूल के छत पे आके जोर जोर से चिल्लाने लगती है और फिर अचानक से शांत हो जाती है क्योंकि उसे याद आ जाता है कि रेन फिर से यहां कहीं बैठा तो नहीं है। वो इधर उधर देखने लगती है तो देखती है रेन उसके पीछे में ही खड़ा होता है और कोरिया से कहता है, तुम कितनी अजीब हो, इस तरह से कौन अपने दिल की भड़ास निकालता है जिसे कोई सुन ना रहा हो। तो कोरिया मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे ये सब करके सुकून मिलता है। तभी कोरिया रेन के हाथों में देखती है तो एक पेपर और पेन होता है जिसमें वो हर वक्त कुछ ना कुछ ड्रॉ करता रहता है और उसमें एक कोरिया का भी तस्वीर बना होता है। लेकिन कोरिया रेन से इस बारे में कुछ भी नहीं पूछती है और कहती है, थैंक्स, उस दिन आपने मुझे बचाया था। तभी रेन कोरिया से कहता है, क्या मैं तुमसे कुछ पूछूं? तो कोरिया कहती है, हाँ बिल्कुल। तभी रेन कोरिया से कहता है, अगर तुम 5 बजे फ्रांस से निकलो तो थाईलैंड कब पहुंचोगी? तो कोरिया कहती है, लगभग 6 से 7 घंटे लग ही जाता होगा। वो अपने फोन को ढूंढने लगती है लेकिन इस वक्त कोरिया के पास उसका फोन नहीं होता है। तो वो रेन से कहती है, पर ये आप क्यों जानना चाहते हैं? तो रेन कहता है, बस ऐसे ही। उसी वक्त वहाँ पे वे तीनों लड़कियाँ आ जाती है और दोनों को साथ बात करते देखकर उसे ऐसा लगने लगता है कोरिया जानबूझकर रेन के नजदीक आना चाहती है ताकि स्कूल में उसे कोई परेशान ना करे। कोरिया को स्कूल से जो ही छुट्टी मिलता है तो वो एक फ्लावर्स स्टोर में पार्ट टाइम जॉब भी करती है जहाँ पे उसकी एक बहुत ही अच्छी फ्रेंड होती है जिसका नाम कनिंग होता है और कोरिया के साथ अभी जो भी स्कूल में हो रहा है कनिंग को सब पता होता है। ये दोनों आपस में बातें कर ही रही होती है कि तभी वहाँ पे हाना आ जाती है और कोरिया को देखते ही उसे माफी मांगने लगती है क्योंकि स्कूल में रेड कार्ड मिलने पर कोरिया को जब सब परेशान कर रहा था तो हाना कोरिया की मदद करने के बजाय वहाँ से भाग गई थी। लेकिन कोरिया हाना को माफ कर देती है और कहती है, अच्छा हुआ कि तुमने मेरा साथ नहीं दिया वरना मुझे कभी पता नहीं चल पाता कि मैं अकेले बहुत कुछ कर सकती हूँ, पर मुझे इस वक्त बहुत ही जोर से भूख लगा है, चलो खाना खाते हैं। कोरिया 2 डब्बे मिल्क लेके आती है और दोनों आपस में बातें करती जा ही रही होती है कि तभी कोरिया देखती है रेन एक पोस्टर को बहुत ही प्यार से देख रहा होता है। ये पोस्टर एक बहुत बड़ी मॉडल की होती है जिसका नाम मीरा होता है और इसी मीरा की वजह से कोरिया को आज स्कॉलरशिप के जरिए इतने बड़े स्कूल में पढ़ने का मौका मिला होता है। कोरिया हाना को वहीं रुकने को बोलकर वो रेन के पास आती है और रेन से मीरा के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि ये मेरी बचपन की फ्रेंड है। रेन की बातें करने के तौर तरीके से कोरिया को पता चलता है कि रेन मीरा को काफी पसंद करता है। तो कोरिया भी कहती है, मैं भी बिल्कुल मीरा की तरह खूबसूरत सर्वगुण संपन्न बनना चाहती हूँ, बिल्कुल मीरा की तरह। वो ये बोल ही रही होती है कि तभी रेन कोरिया के नजदीक आ जाता है। ये देखकर कोरिया को लगने लगता है कि रेन शायद उसे किस करने वाला है, वो काफी ज्यादा बस हो जाती है। लेकिन रेन तो उसके चेहरे पे लगे दूध को साफ कर रहा होता है। तो कोरिया भी रेन से कहती है, फ्रांस से थाईलैंड आने में लगभग 6 घंटे लगता है। ये बोलकर कोरिया यहाँ से चली जाती है और वो हाना के पास जो ही आती है तो हाना कोरिया से कहती है, अब देखना हम लोग एक ग्रुप बनाएंगे जिसमें 100 से ज्यादा फेक अकाउंट होगा और तुम्हें सपोर्ट करेंगे थॉम से लड़ने के लिए। लेकिन थॉम वहाँ पहले से ही मौजूद होता है रेन को घर ले जाने के लिए और दोनों की बातें सुन रहा होता है। नेक्स्ट डे कोरिया जो ही स्कूल आती है तो वो काफी खुश होती है क्योंकि उसे अब थॉम का बिल्कुल डर नहीं होता है। पर उसी वक्त सभी के फोन पे फिर से मैसेजेस आने लगता है तो सारे स्टूडेंट्स ये देखने भागने लगता है कि अब किसे रेड कार्ड मिला है। तो उसके साथ कोरिया भी आती है जिसे देखकर वो काफी डर जाती है क्योंकि इस बार हाना को रेड कार्ड मिला होता है। अब सारे बच्चे हाना को परेशान करने लगता है और उसे फिर से वही स्टेडियम लेके आ जाता है जहाँ पे थॉम पहले से ही होता है। इस वक्त रेन यहाँ पे नहीं होता है और तभी थॉम हाना के पास आके उसे एक लेजर देता है और कहता है, अपने सर को गंजा करो। इतने में ही वहाँ पे
कोरिया पहुंच जाती है और थॉम से कहती है रुको तुम ये नहीं कर सकती। तो थॉम कहता है ठीक है मैं इसे छोड़ देता हूं, लेकिन इसकी जगह तुम्हें अपने सर को गंजा करना होगा। तो कोरिया कहती है ठीक है मुझे तुम्हारे सर से मंजूर है। वो अपने बालों को काट ही रही होती है कि तभी वहां पे रेन आ जाता है और कोरिया से कहता है मैंने तुमसे जो सवाल पूछा था तुमने उसका जवाब गलत क्यों दिया। फ्रांस से थाईलैंड आने में बस 5 घंटे लगता है लेकिन तुमने 6 घंटे कहा। रेन और कोरिया की बातें को सुनकर सारे स्टूडेंट को काफी आश्चर्य होता है कि ये हो क्या रहा है। अब अपने फ्रेंड को बीच में आते देखकर थॉम गुस्से से यहाँ से चला जाता है और रेन एक बार फिर से कोरिया को बचा लेता है और ये सब होते देखकर वहाँ के कुछ स्टूडेंट भी कोरिया को सपोर्ट करने लगता है। अब नेक्स्ट डे कोरिया जो ही स्कूल आती है तो वही 3 लड़कियां जो कोरिया को हमेशा परेशान किया करती थी वो कोरिया के पास आके उसे माफी मांगने लगती है और कहती है अब मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी गलत थी। तो कोरिया उसे माफ कर देती है। तभी वे तीनों लड़कियां कोरिया से कहती है कल मीरा की वेलकम पार्टी है क्यों ना तुम भी उस पार्टी में आओ। तो कोरिया उसे मना कर देती है क्योंकि उसे पता होता है कि वहां थॉम भी होगा और वो कोरिया को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा। कोरिया वे तीनों लड़कियां से कह देती है कि मेरे पास पार्टी में जाने के लिए कोई अच्छे कपड़े नहीं है इसीलिए मैं नहीं जाऊंगी। जिस पर वो लड़कियां कोरिया से कहती है ये तो एक बहुत ही छोटी सी पार्टी है तुम वहां पे कोई भी सिंपल से कपड़े पहनकर आ सकती हो। तो कोरिया अपने फ्रेंड कनिंग के साथ उस पार्टी में आ जाती है तो देखती है ये एक बहुत ही बड़ी पार्टी होती है। तभी वे तीनों लड़कियां कोरिया के पास आके उसे कपड़े की काफी इंसल्ट करने लगती है और कहती है मैंने तुमसे झूठ बोला मैं तो तुम्हारी औकात दिखाना चाहती थी तुम चाहकर भी हम जैसों की बराबरी कभी नहीं कर सकती। वो कोरिया के काफी इंसल्ट करी रही होती है कि तभी उधर से रेन और मीरा आ जाती है। तभी रेन उसे देख लेता है और वो कोरिया के पास आके उसे पूछता है क्या हुआ। कोरिया उसे कुछ बताती उसे पहले ही मीरा सब समझ जाती है। वो एक बियर मंगा कर वे तीनों लड़कियां के ऊपर डालने लगती है तब तक डालती रहती है जब तक वे तीनों पानी में नहीं गिर जाती है। और तभी मीरा कोरिया से कहती है तुम मेरे साथ आओ। मीरा कोरिया को अपने रूम में लेके आती है और उसे बहुत ही अच्छे कपड़े पहनने को देती है और कोरिया से कहती है तुम वो पहली लड़की हो जिसके बारे में रेन काफी ज्यादा बातें करता रहता है। जिस पर कोरिया कहती है रेन मेरी बातें क्यों करेगा वो भी आपसे आप तो उसकी गर्लफ्रेंड है ना। तो मीरा मुस्कुराने लगती है और कोरिया से कहती है तुम्हें ये बातें किसने कहा। तो कोरिया कहती है ये सबको पता है। तभी मीरा कोरिया को जूते पहनाने लगती है तो कोरिया उसे पहनने से मना कर देती है। जिस पर मीरा कहती है अच्छे जूते अच्छे जगह ले जाती है। अब मीरा कोरिया को बहुत ही अच्छे से तैयार करके जब उसे नीचे लेके आती है तो सब उसे देखता ही रह जाता है क्योंकि इस वक्त कोरिया काफी खूबसूरत लग रही होती है और थॉम भी उसे एक टक से निहार रहा होता है। तभी रेन कोरिया के पास आ रहा होता है उसे ये पूछने कि क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी। इतने में ही थॉम वहां आकर रेन को धक्का दे देता है और कहता है ये तुम क्या कर रहे हो क्या तुम्हें नहीं पता कि इस लड़की को रेड कार्ड मिला है। लेकिन कोरिया के बारे में ऐसी बातें को सुनकर रेन को भी काफी गुस्सा आता है और इन दोनों में काफी जोरों से लड़ाई होने लगती है। तभी कोरिया रेन को बचाने के चक्कर में वो थॉम पे अटैक करती है लेकिन वो फिसल जाती है और अनजाने में ही थॉम के ऊपर गिर जाती है और उसे गलती से किस भी कर लेती है। ये देखकर सब एकदम से शॉक्ड हो जाता है और थॉम कहता है क्या तुमने मुझे किस किया। वो इस वक्त यहां से चला जाता है लेकिन घर आकर वो अब हर वक्त बस कोरिया के बारे में ही सोच रहा होता है। थॉम की ऐसी हालत को देखकर कविन और एमजी थॉम का मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कहीं तुम्हें उस लड़की कोरिया से प्यार तो नहीं हो गया। जिस पर थॉम कहता है चुप रहो मेरे पीछे हजारों लड़की पड़ी है और मैं उस मिडिल क्लास की लड़की से प्यार करूंगा ऐसा कभी सोचना भी मत। तो कविन एमजी कहता है ठीक है चलो अब रेन से माफी मांग लो पार्टी वाली रात जो भी तुमने किया था उसके लिए। जिस पर थॉम कहता है बिल्कुल नहीं मैंने कोई गलती नहीं किया था वैसे भी इस बात को काफी समय हो चुका है। और इधर रेन मीरा के घर पे होता है तो मीरा भी रेन से पूछती है क्या तुम थॉम से माफी नहीं मांगोगे। तो रेन कहता है नहीं उसका छोड़ो और ये तुम बताओ कि फ्यूचर में आगे क्या करने का प्लान बनाया है। तो मीरा कहती है मैं थाईलैंड को हमेशा के लिए छोड़कर फ्रांस जाऊंगी और वहाँ के गरीब लोगों की हेल्प करूंगी। ये सुनकर रेन एकदम से सैड हो जाता है क्योंकि वो मीरा से बहुत ही प्यार करता है और वो नहीं चाहता है कि मीरा कभी भी उसे छोड़कर जाए और इसी बात को लेकर दोनों में काफी बहस होने लगती है। और इधर से कोरिया रेन की रुमाल वापस करने आती है तो देखती है दोनों को आपस में झगड़ते हुए। तो कोरिया रेन का रुमाल बिना वापस किए ही यहां से चली जाती है। अब नेक्स्ट डे कोरिया जो है स्कूल के छत पे आती है तो देखती है रेन काफी सैड होता है। ये देखकर कोरिया को समझ में आ जाता है कि रेन मीरा से बहुत ही प्यार करता है मुझसे नहीं मुझे भी उसे लेकर कोई गलत फहमी नहीं पालनी चाहिए ये तो बस एक हमदर्दी था। तभी रेन कोरिया से कहता है मीरा ने तुम्हें बुलाया है वो जाने से पहले तुमसे एक बार मिलना चाहती है। तो कोरिया मीरा से मिलने उसके घर आ जाती है और रेन दोनों को अकेला छोड़कर बाहर चला जाता है। तो कोरिया मीरा से कहती है मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप फ्रांस ना जाए क्योंकि रेन आपसे बहुत ही प्यार करता है। तो मीरा कोरिया को समझाती है कि मैं रेन के लिए यहाँ पे नहीं रुक सकती वहाँ बहुत सारे गरीब लोग हैं जिसकी मेरी जरूरत है। और ये सारी बातें रेन भी छुपकर सुन रहा होता है और कोरिया जो है मीरा के घर से बाहर निकलती है तो रेन गुस्से में कोरिया से बोलता है तुमने मीरा को यहाँ रुकने को क्यों कहा। उसे ऐसा लगेगा कि मैंने ही तुमसे ये कहने को कहा मैं नहीं चाहता कि मैं मीरा के
रास्ते का रुकावट बनो। तो मीरा कहती है जब तक चुप रहोगे कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारी बस एक ही गलती है, तुम मुसीबत को देखते ही भागने लगते हो, उसका सामना करना नहीं जानते हो। ये बोलकर कोरिया यहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट डे कोरिया स्कूल जाने के लिए वहीं पे खड़ी होती है और जो ही उधर से बस आता है तो कोरिया उसी बस में जाके बैठ जाती है। लेकिन तभी अचानक से थॉम उसके पास आ जाता है, जिसे देखकर कोरिया तो एकदम से शॉक्ड हो जाती है और कहती है तुम इस बस में क्या कर रहे हो, तुम तो कार से स्कूल आते हो ना। तो थॉम कहता है पर आज मेरा भी मन हुआ कि मैं भी बस से स्कूल जाऊं। तभी कोरिया नोटिस करती है कि बस पूरी तरह से खाली है, यहाँ पे एक भी पैसेंजर नहीं है। तो वो थॉम से पूछती है बस के सारे पैसेंजर कहाँ है। तो थॉम कहता है मैंने पूरे बस को ही खरीद लिया। ये सुनकर कोरिया कहती है तुम सच में पागल हो, तुम हमेशा सबको परेशान क्यों करते हो। कोरिया इस बस से जाने लगती है तो थॉम उसे जाने नहीं दे रहा होता है और उसे जबरदस्ती सीट पे बैठाने की कोशिश कर रहा होता है। इसी बस के पीछे से एक कार आ रही होती है जिसमें एक लड़की होती है और वो ये दोनों को लड़ाई करते हुए देख रही होती है। और यहाँ पे कोरिया बस ड्राइवर से कहती है जल्दी गाड़ी रोको, लेकिन बस ड्राइवर गाड़ी नहीं रोक रहा होता है थॉम के कहने पर। तो कोरिया थॉम को ही बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगती है और तभी बस के सामने वही कार आके रुक जाती है। तो थॉम बस ड्राइवर से कहता है तुमने बस क्यों रोका। तभी थॉम सामने देखता है कि वहाँ पे एक कार आके रुकी है और उस कार से एक लड़की बाहर निकलती है। इतने में ही कोरिया भी इस बस से बाहर निकल जाती है, लेकिन थॉम अभी भी कोरिया को जाने नहीं दे रहा होता है। तभी वो लड़की यहाँ आती है और थॉम को जोर से धक्के मारती है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि थॉम की ही बड़ी सिस्टर टीना होती है। तो थॉम अपने सिस्टर से कहता है आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जिस पर टीना कहती है तुम इस मासूम सी लड़की को परेशान क्यों कर रहे हो। तो थॉम कहता है वो सब छोड़िए, पर आप यहाँ आने से पहले मुझे क्यों नहीं बताया। जिस पर टीना कहती है मैं तुम्हारी हरकतों को देखना चाहती थी कि तुम आखिरकार करते क्या हो। टीना कोरिया को अपने कार में बैठने को कहती है और अपने ड्राइवर से बोलकर उसे स्कूल छोड़ने को कहती है। तो टीना का ड्राइवर कोरिया को स्कूल लेके आ जाता है। कोरिया को इतने बड़े गाड़ी से निकलते देखकर सभी काफी शॉक्ड हो जाता है। तभी कोरिया जो ही स्कूल के अंदर आती है तो हाना उसे पूछती है ये किसकी गाड़ी है। तो कोरिया कहती है थॉम की सिस्टर की, वो मुझे फिर से परेशान कर रहा था, तभी उसकी सिस्टर वहाँ पे आ गई और मुझे उस बदमाश से बचा के गाड़ी में स्कूल भेज दी। नेक्स्ट डे मीरा हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से जा रही होती है तो उसके सारे बचपन के फ्रेंड थॉम एमसी कविन सब उसे एयरपोर्ट पे छोड़ने आया होता है। मीरा सबको बाय बोलकर यहाँ से जाने वाली ही होती है कि तभी उधर से कोरिया भी भागते हुए आ जाती है। तो मीरा उसे देखते ही तुरंत कोरिया के पास आती है। तभी कोरिया मीरा से पूछती है क्या रन नहीं आया। तो मीरा कहती है वो अब कभी नहीं आएगा, लेकिन तुम्हें मुझसे गले से मिलना होगा। तभी वे दोनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं और अब मीरा सबको बाय बोलकर यहाँ से चली जाती है। मीरा के जाने के तुरंत बाद उधर से रेन भी आता है तो कोरिया रेन को देखते ही कहने लगती है तुमने आने में देर क्यों कर दी, मीरा अभी जस्ट यहाँ से चली गई। तो रेन कहता है कोई बात नहीं, मैं भी मीरा के साथ ही जा रहा हूँ, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे समझ में आया कि मैं कितना गलत था। रेन जाके कोरिया के सर पे किस कर लेता है और उधर से थॉम देखता ही रह जाता है। अब रेन कोरिया को बाय बोलकर यहाँ से जा रहा होता है कि तभी थॉम कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, तुम मुझसे इसलिए गुस्सा हो क्योंकि मैं तुमसे माफी नहीं मांगा। तो रेन कहता है इसकी जरूरत नहीं है, जिस पर थॉम कहता है अगर जरूरत नहीं है तो तुम हम लोगों को बताए बिना यहाँ से जा कैसे सकते हो। इतने में ही वे सभी एक दूसरे से प्यार से लड़ाई करने लगता है और इधर से कोरिया सबको देख रही होती है। अब रेन का फ्लैट जो ही उड़ान भरता है तो सब नीचे से उसे बाय गुड लक बोल रहा होता है, जिसके साथ कोरिया भी होती है। थॉम बार बार पीछे मुड़कर कोरिया को ही देख रहा होता है और जब घर आता है तो वो हर वक्त बस कोरिया के बारे में ही सोच रहा होता है। तभी थॉम के पास उसकी बिग सिस्टर टीना आती है और थॉम से कहती है मैं और मॉम बिजनेस के सिलसिले में बैंकॉक जा रही हूँ, तुम अब कुछ भी कर सकते हो। थॉम को समझ नहीं आता है, वो कहता है कुछ भी का क्या मतलब होता है। तो टीना कहती है तुम कोरिया को डेट पर ले जाने के लिए पूछ सकते हो क्योंकि मुझे लगता है कि तुम कोरिया को पसंद करने लगे हो, अब कुछ मत सोचो वरना बहुत देर हो जाएगी। नेक्स्ट डे कोरिया स्कूल के कैंटीन में बैठ के खाना खा रही होती है कि तभी स्कूल के टीवी पे आके थॉम कहता है आज मैं अपनी गर्लफ्रेंड का नाम अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। थॉम कोरिया का फोटो सबको दिखाना चाह रहा होता है लेकिन उससे वो नहीं होता है कि तभी वो जोर से बोलने लगता है कोरिया आज शाम 4 बजे मैं तुम्हारा फेरिस बहल के पास इंतजार करूंगा। ये सुनकर सभी एकदम से शॉक्ड हो जाता है कि थॉम कोरिया को पसंद करता है। इस समय कोरिया को भी बहुत अजीब लग रहा होता है और वो डिसाइड करती है कि मैं उसे मिलने नहीं जाऊंगी। स्कूल से छुट्टी मिलते ही कोरिया कनिंग के साथ शॉपिंग पे चली आती है और उसे सारी बातें बता ही रही होती है। तभी वो टीवी पे देखती है जहाँ पे F4 का इंटरव्यू चल रहा होता है। तभी उसे याद आता है कि थॉम ने आज मुझसे मिलने को कहा था। उसी वक्त काफी तेज बारिश होने लगती है तो कोरिया को भी थॉम का फिक्र होने लगता है। वो कनिंग को घर जाने को बोलकर वहाँ जल्दी से आती है तो देखती है सच में वहाँ पे थॉम खड़ा होता है और बारिश में भीग रहा होता है। तो कोरिया उसके पास जाके उसे छाते देती है लेकिन तभी थॉम उसे धक्के मारता है और कहता है मैं यहाँ तुम्हारा कई घंटों से इंतजार कर रहा हूँ और तुम अब आई हो। तो कोरिया भी थॉम को बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगती है और कहती है तुम कभी नहीं सुधरोगे। कोरिया यहाँ से जा रही होती है लेकिन
थॉम उसे पकड़ लेता है और अपने साथ लेके जाता है। थॉम काफी भीग चुका होता है, इसीलिए कोरिया उसके लिए टॉवल और एक ड्रिंक की बोतल लेके आती है। तो थॉम देखता है कि कोरिया भी बहुत ही बुरी तरह से भीग चुकी है। थॉम वही टॉवल से कोरिया को पूछने लगता है और कहता है, पहले खुद को देखो फिर दूसरे को, चलो अब डेट पे चलते हैं। तो कोरिया उसे मना करने लगती है, लेकिन थॉम उसकी एक नहीं सुनता है और कोरिया को जबरदस्ती डेट पे लेके आता है और अब दोनों का डेट शुरू हो जाता है। उसी दौरान कोरिया एक डॉल को हक और किस कर रही होती है कि तभी थॉम उसे रोक देता है और उस डॉल से कहता है, चलो आओ मुझे किस करो, चलो आओ मैं तुम्हें हक करता हूँ, क्योंकि थॉम बिल्कुल नहीं चाहता है कि कोरिया मुझे छोड़कर किसी को भी हक या किस करे। अब दोनों घूमते घूमते फेरिस बेल के पास आ जाता है कि तभी थॉम झूले को देखते ही कोरिया से कहता है, चलो यहाँ से चलते हैं। तो कोरिया उसे कहने लगती है, क्या तुम्हें ऊंचाई से डर लगता है? तो थॉम कहता है, मुझे क्यों डर लगेगा, मुझे कोई डर वर नहीं लगता है। अब कोरिया के सामने अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए उस झूले पर बैठ जाता है, लेकिन वो काफी चिल्ला रहा होता है और झूले पर से नीचे उतरते ही उसे काफी जोरों से वोमिटिंग होने लगता है। तो कोरिया कहती है, सॉरी मेरी वजह से आज तुम्हारा ये हाल हो गया। तो थॉम कहता है, कोई बात नहीं, चलो खाना खाते हैं। तो कोरिया कहती है, ठीक है आज मैं तुम्हें अपनी तरफ से खाना खिलाऊंगी। वे दोनों एक रेस्टोरेंट में आता है कि तभी कोरिया उस रेस्टोरेंट के मेन्यू को देखती है, क्या इतना पैसा एक प्लेट खाने का, इतने में तुम्हें अपनी पूरी फैमिली को खाना खिला सकती हूँ। ये सुनकर थॉम को अजीब लगता है, लेकिन कोरिया थॉम को किसी दूसरे रेस्टोरेंट में लेके आ जाती है जहाँ पे खाना बहुत ही सस्ता मिलता है। तो थॉम कहता है, ये मुझे तुम कहाँ लेके आ गई हो, मुझे यहाँ पे खाना नहीं खाना है। वो यहाँ से बाहर जा ही रहा होता है, लेकिन वो डोर ही नहीं खुल रहा होता है क्योंकि रेस्टोरेंट के मालिक अपने रेस्टोरेंट को बंद करके यहाँ से जा चुका होता है, क्योंकि इस वक्त काफी रात हो चुका होता है और अब ये दोनों अंदर में ही फंस जाता है। तो कोरिया जोर जोर से आवाज लगाने लगती है कि कोई उसकी आवाज सुन ले, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं आता है। तभी थॉम कोरिया के पास आता है। तो कोरिया को लगने लगता है कि थॉम मुझे किस करना चाह रहा है। वो थॉम को बहुत ही जोर से धक्के मारती है, लेकिन थॉम का तबीयत काफी जोरों से खराब हो गया होता है। ये देखते ही कोरिया तुरंत उसे एक दवाई निकाल के देती है और खाने को कहती है। तो थॉम कहता है, मैं ये दवाई नहीं खाता, मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगा। तो कोरिया थॉम को जबरदस्ती दवाई खिलाने के चक्कर में उसे अपने गोद में सुला लेती है और थॉम को दवाई खिलाती है, लेकिन थॉम को काफी जोरों से बुखार लग गया होता है। तो कोरिया थॉम को उसकी ब्लेजर उतारने को कहती है। तो थॉम अपने ब्लेजर को उतार देता है। तो कोरिया उसी टॉवल को गीले करके थॉम की हाथ पैर को पोंछने लगती है और थॉम बस एक टक से कोरिया को ही देख रहा होता है और कोरिया से बातें करते करते वहीं सो जाता है और नींद में बोल रहा होता है कि अब मैं बुरे काम सारे छोड़ दूंगा और रेड कार्ड का गेम भी। ये सुनकर कोरिया काफी खुश हो जाती है और जब नेक्स्ट डे थॉम जागता है तो देखता है वो कोरिया के गोद में सोया होता है। तभी वो चेक करने लगता है कि कोरिया कहीं जागी तो नहीं है। वो फिर से कोरिया के गोद में सो ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे रेस्टोरेंट के ओनर आके उस गेट को खोल देता है। तो थॉम तुरंत कोरिया को लेकर यहाँ से चला जाता है और अब कोरिया को उसी घर छोड़ने आया होता है और कोरिया से कहता है, ये डेट कुछ खास नहीं रही, हम लोग अगली बार फिर से जाएंगे। जिस पर कोरिया कहती है, बकवास बंद करो, अब मैं तुम्हारे साथ दोबारा कभी नहीं जाऊंगी। तभी थॉम कोरिया के पास आके उसके बालों से कुछ निकालने लगता है। ये देखते ही कोरिया कहती है, चलो दूर हटो और अब घर जाओ। जिस पर थॉम कहता है, हाँ ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना हम फिर से डेट पर जाएंगे। तो कोरिया थॉम के ऊपर ही टॉवल फेंक देती है और कहती है, बुलाना घर जाने को, जल्दी जाओ घर। तो थॉम कोरिया को बाय बोलकर यहाँ से चला जाता है और कोरिया भी जो ही घर के अंदर आती है तभी उसका कोई वीडियो बना रहा होता है। अब कोरिया घर के अंदर आने के लिए अपना डोर खोले रही होती है कि तभी वो अपने मॉम डैड की बातें सुनती है, जहाँ पे कोरिया का डैड बोल रहा होता है, अगर मैं उस माफिया का कर्ज नहीं चुकाऊंगा तो वो हमारे घर को जब्त कर लेगा। ये बातें कोरिया भी सुन लेती है और जो ही घर के अंदर आती है तो सभी शांत हो जाता है। तो कोरिया अपने मॉम डैड के पास आके उसे पूछती है, उसे कितने पैसे देने हैं। तो कोरिया की मॉम कहती है, 50,000। ये सुनते ही कोरिया भागते हुए अपने रूम में आती है और अपना पासबुक चेक करती है तो उसमें बहुत ही कम पैसे होते हैं। तभी रात को बार में उस माफिया से मिले कोरिया एक फावड़ा लेके आती है और उसे पैसे लौटाने के लिए कुछ समय मांगती है। तो वो माफिया कोरिया से कहता है, तुम्हें पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, उसके बदले तुम्हें शराब पिलानी होगी मेरे कस्टमर को, वो भी डांस बार बनकर। जितना ज्यादा वो तुमसे ड्रिंक लेगा तुम्हारे पैसे घटते जाएंगे और तुम्हें कोई ना ही छुएगा और ना ही कोई तुम्हारे साथ बदतमीजी करेगा। तो कोरिया इसके लिए मान जाती है और अब डांस बार बनकर बीच में बैठी होती है। तभी कोरिया उसकी हाथ पकड़ लेती है और कहती है, ऐसा सोचना भी मत, वरना मैं तुम्हारे हाथ को तोड़ दूंगी। सभी को बार में इस तरह से डांस गाना करते देखकर वो कहती है, क्या सारे लड़के को यही पसंद होता है। तभी वो आदमी कोरिया से कहता है, कुछ लड़के को ये सब पसंद नहीं होता है, वो बस प्यार करना जानते हैं, वो जिससे प्यार करते हैं उसके लिए खुद को बदलना जानते हैं। ये सुनकर कोरिया को थॉम की याद आने लगती है कि तभी वहाँ पे एक आदमी एक लड़की के ऊपर ही कूद जाता है। ये देखकर कोरिया काफी डर जाती है कि तभी वो बूढ़ा आदमी भी कोरिया से कहने लगता है, अब तुम कहाँ जाओगी बच के। वो कोरिया के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी कोरिया उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगती है और यहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट डे कोरिया जो ही स्कूल आती है तो देखती है सभी
के फोन पे एक मैसेजेस आ रहा होता है और सब कोरिया को बहुत ही अजीब तरह से देख रहा होता है। तभी उसके पास हाना आके उसे एक वीडियो दिखाती है क्योंकि थॉम और कोरिया का साथ वाला कोई वीडियो क्लिप बना के सोशल मीडिया पे डाल दिया होता है। हाना काफी गुस्से में आकर कोरिया से कहती है ये सब क्या है, तो कोरिया बोलने लगती है नहीं ये सब झूठ है। उतने में ही उधर से थॉम आ जाता है और कहता है नहीं ये सब सच है, मैं कोरिया को डेट कर रहा हूँ, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और आज के बाद कोरिया को कोई परेशान नहीं करेगा क्योंकि ये आज से मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं कोरिया के ऊपर से रेड कार्ड वाला गेम भी रद्द करता हूँ। थॉम कोरिया का हाथ पकड़ कर अपने साथ ले जाता है और वहाँ पे लेके आता है जहाँ पे वे सब हमेशा स्कूल में बैठा करता है। लेकिन कोरिया थॉम पे काफी गुस्सा करने लगती है और कहती है किसने कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती। उसी वक्त कोरिया को छींक आ जाती है। ये देखकर थॉम कहता है देखो मेरा जुकाम भी तुम्हें लग गया क्योंकि हम दोनों कल रात साथ में थे। रात की बातें को सुनकर कविन और अमजे काफी जोरों से हंसने लगता है जिस पर कोरिया कहती है ऐसा कुछ मत सोचो, हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ। ये देखकर थॉम कविन और अमजे से कहता है तुम लोग कोरिया को परेशान करना बंद करो। लेकिन कोरिया को थॉम की बातें सुन सुनकर काफी गुस्सा आ रहा होता है। वो हाना को लेकर यहाँ से चली जाती है कि तभी पीछे से फिर से थॉम कोरिया से कहता है सुनो कोरिया दवाई लेना मत भूलना नहीं तो तुम्हें और तबीयत खराब हो जाएगा। ये सुनकर कोरिया हाना से कहती है जल्दी चलो वरना ये चिल्लाता रहेगा। कोरिया हाना को लेकर यहाँ से चली जाती है लेकिन वहाँ के सारे स्टूडेंट ये सब देखकर काफी शॉक्ड होता है और यहाँ पे कविन और एमजी थॉम से कहता है क्या तुम कोरिया से सच में प्यार करते हो, तो थॉम कहता है हाँ। तभी वे लोग थॉम से कहता है क्या तुम नहीं जानते कि इसके लिए तुम्हारी मॉम कभी नहीं मानेगी, वो कोरिया जैसे गरीब लड़की को कभी नहीं अपनाएगी। तो थॉम कहता है पर हम लोग कोशिश तो कर ही सकते हैं ना। ये बोलकर थॉम यहाँ से चला जाता है लेकिन कविन और एमजी सोच रहा होता है कि किस तरह से थॉम और कोरिया को अलग किया जाए ताकि दोनों को बाद में दुख ना हो। इधर कोरिया का काफी जोरों से जुकाम हो गया होता है और उसे काफी बुखार भी लगा होता है और वो अपने डैड से बातें कर ही रही होती है कि तभी उसका डोरबेल बजता है। डोरबेल की आवाज सुनकर कोरिया के डैड काफी डर जाता है, उसे लगने लगता है कि वो माफिया फिर से अपने पैसे मांगने आ गया है। वो कोरिया को जाके डोर खोलने को कहता है तो कोरिया एक डंडे को लेकर जो ही डोर खोलती है तो देखती है यहाँ वो माफिया नहीं बल्कि थॉम आया होता है। लेकिन थॉम कोरिया के हाथों में डंडे को देखकर कहता है ये तुम क्या करने वाली हो, तो कोरिया कहती है कुछ भी नहीं बस तुम यहाँ से चले जाओ। कोरिया को डर लग रहा होता है कि कहीं उसके डैड थॉम को देख ना ले। इतने में ही कोरिया की डैड बाहर आ जाता है बाहुबली बनकर और थॉम को आवारा लड़का समझकर उसे डांटने लगता है और कहता है तुम्हारा नाम क्या है। थॉम भी मुस्कुराते हुए अपना नाम बताता है। उसी वक्त टीवी पे न्यूज चल रहा होता है जो थॉम के बारे में ही बता रहा होता है कि इसके पास कितने ज्यादा बिलियंस डॉलर और कितने कंपनीज है। ये देखकर सभी एकदम से शॉक्ड हो जाता है। तभी थॉम के डैड थॉम को घर के अंदर लेके आता है और सभी थॉम को खाना खिलाने की तैयारी में लग जाता है। लेकिन कोरिया मन में सोच रही होती है ये सब करने की क्या जरूरत है। और इधर कविन और एमजे कोरिया के फ्रेंड कनिंग से मिलने आता है और उसे अपने घर लेके आता है और कहता है कोरिया को थॉम से मिलने से रोको, कोरिया और थॉम के बीच बढ़ती नजदीकियों से ये कोरिया की फैमिली के लिए खतरा बन सकता है क्योंकि थॉम की मॉम को ये बातें जैसे ही पता चलेगी तो वो कोरिया की फैमिली को बर्बाद कर देगी और मैं नहीं चाहता कि कोरिया किसी भी मुसीबत में फंसे। तो कनिंग कहती है ठीक है मैं उसे रोकूंगी। ये बोलकर कनिंग यहाँ से चली जाती है। और इधर थॉम कोरिया के घर में सबके साथ बैठ के डिनर कर रहा होता है और कोरिया की फैमिली को देख रहा होता है कि इसकी फैमिली कितनी अच्छी है कि हर छोटी छोटी चीजों में अपनी खुशियाँ ढूंढ लेती है। थॉम यहाँ पे काफी खुश होता है और अब जब घर जा रहा होता है तो कोरिया थॉम से कहती है तुम यहाँ पे क्यों आए थे, तो थॉम कहता है ओ मैं तो भूल गया मैं तुम्हें यहाँ दवाई देने आया था। तो कोरिया वो दवाई ले ही रही होती है कि तभी उसके हाथों से रेन का रुमाल गिर जाता है। तभी थॉम उसे देखते ही उसे उठाकर कोरिया को देता है और कहता है रेन बचपन से ही काफी सुलझा हुआ लड़का था, वो हमेशा सबको साथ लेके चलता, मैं चाहे उसे कितना भी लड़ाई कर लेता फिर भी वो सारे खाने की चीजें मुझे देता, वो काफी सीधा है इसीलिए सबको बहुत ही जल्द उससे प्यार हो जाता है और मैं बचपन से ही बदतमीज हूँ। ये बोलते बोलते थॉम कोरिया के सर पर पट्टी लगा देता है। तो कोरिया कहती है पर ये सब बातें तुम मुझे क्यों बता रहे हो, अगर ऐसा है तो तुम्हें थॉम से माफी मांगनी चाहिए। तो थॉम कहता है मैं आज तक किसी से माफी नहीं मांगा। तो कोरिया कहती है हाँ ठीक है समझ गए चलो अब घर जाओ। ये सुनकर हान कहता है तुम मुझे हर वक्त भगाने के चक्कर में क्यों रहती हो। वे दोनों ऐसे ही एक दूसरे को धक्का दे रहा होता है कि तभी कोरिया के डोर खुलकर गिरने लगता है और उसके साथ कोरिया भी गिर रही होती है। लेकिन थॉम कोरिया को पकड़कर अपने पास खींच लेता है लेकिन थॉम काफी नर्वस हो रहा होता है। तो कोरिया कहती है ठीक है अब जाओ यहाँ से, तो वो कोरिया को बाय बोलकर यहाँ से चला जाता है। इधर थॉम की मॉम जो है बिजनेस ट्रिप पे जा रही होती है कि तभी उसकी सर्वेंट की जो हेड होती है वो थॉम की मॉम से कहती है सर ने ये टावल को संभाल कर रखने को कहा है,
ये देखते ही थॉम की मॉम सबसे कहती है ये थॉम पे नजर रखो। ये बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट डे कोरिया जो ही स्कूल आती है तो देखती है सारे बच्चे उसे बहुत ही अजीब नजरों से देख रहा होता है। तो कोरिया जल्दी से भाग के अपने क्लासरूम में आती है तो देखती है बोर्ड पे वो सारे फोटो लगा होता है जिस रात कोरिया उस बार में थी। ये सब देख कर कोरिया एकदम से शॉक्ड हो जाती है और उसी वक्त वहाँ पे थॉम भी आ जाता है और वो सारे फोटो को देख कर उसके तो होश ही उड़ जाता है। वो कोरिया से पूछता है ये सब क्या है। तो कोरिया उसे कहती है मैं तुम्हें समझाती हूँ, लेकिन थॉम उसकी एक बात नहीं सुनता है और कहता है मैं तुम्हें एक अच्छी लड़की समझता था लेकिन तुम तो धोखेबाज निकली। थॉम कोरिया की बिना बात सुने ही यहाँ से चला जाता है और तभी सारे स्टूडेंट कोरिया के पास आके उसे काफी जलील करने लगती है और वहीं पे कविन और एमजी भी होता है और सब देख रहा होता है और सोचता है क्या कोरिया सच में ऐसी लड़की है या कोई इसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। और इधर कोरिया कनिंग को फोन करके उसे हेल्प मांगती है। तभी रात को वे दोनों उसी बार में आ जाती है ये पता लगाने कि उस रात मेरा फोटो खींचा कौन था, लेकिन वहां का गार्ड वे दोनों को अंदर जाने नहीं देता है और यहां से धक्के मार के बाहर निकाल ही रहा होता है कि तभी वहां पे कविन आ जाता है और कनिंग उसी से टकरा जाती है। कविन भी यहां कोरिया के बारे में ही पता लगाने आया होता है और वो दोनों को यहाँ देखकर कहता है तुम दोनों यहाँ से घर चली जाओ। इधर कविन बार के अंदर आ जाता है और वहाँ के एक बार गर्ल से पूछता है इसके बारे में तुम्हें कुछ पता है। तभी वो बार गर्ल पीछे से किसी को इशारा करती है। तभी वहाँ पे एक गार्ड आके कविन पे अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन कविन उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगता है। तब तक वहाँ पे बहुत सारे गार्ड आ जाता है लेकिन कविन सबको बहुत ही बुरी तरह से मारता है। लड़ाई की आवाज को सुनकर उस बार का बॉस आ जाता है और कविन को यहाँ देखकर एकदम से शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसे कविन के रेपुटेशन के बारे में पता होता है। तभी कविन उसे कोरिया का फोटो दिखाकर उसे सारी बातें पूछता है तो वो डर के मारे कविन को सारी बातें बता देता है। इधर एमजे थॉम को भी एक बार में लेके आया होता है और उसे बात करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन थॉम एकदम से सैड होकर वहीं पे खड़ा होता है। तभी एमजे थॉम से कहता है वो फोटो झूठ था, तुम्हें कोरिया पे विश्वास करना चाहिए था। कोरिया का नाम सुनते ही थॉम गुस्से से ड्रिंक का ग्लास फेंक देता है। ये देखकर एमजे किसी को इशारों से म्यूजिक काफी लाउड बजाने को कहता है। इधर कोरिया कनिंग के घर पे काफी सैड होके बैठी होती है कि तभी उधर से कनिंग के डैड पानी लेके आता है और कोरिया से कहता है तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तभी कनिंग कोरिया के लिए नूडल्स लेके आती है और कहती है खाने को, लेकिन कोरिया कहती है अब मैं क्या करूं, थॉम भी मुझ पे विश्वास नहीं कर रहा है लेकिन उसकी आंखों में मुझे दर्द दिख रहा था। इधर थॉम अभी अकेला ही खड़ा होता है और एमजी उसे देख रहा होता है। तभी उसी बार में एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की आती है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि हाना होती है और एमजी उसे देख लेता है। तभी हाना एक ड्रिंक में कुछ मिलाकर थॉम के पास आती है और उसे पीने को कहती है लेकिन थॉम किसी की बात ही नहीं सुन रहा होता है तो हाना उसे अपने हाथों से पिलाने लगती है। अब थॉम को भी किसी के सहारे की जरूरत होता है, वो हाना के हाथों से ड्रिंक का ग्लास लेके खुद ही पीने लगता है लेकिन ड्रिंक पीते ही थॉम बेहोश हो जाता है और हाना उसे एक होटल रूम में लेके आ जाती है और वो थॉम को किस करने की कोशिश कर ही रही होती है कि तभी थॉम बेहोशी की हालत में भी कोरिया का ही नाम ले रहा होता है। ये देखकर हाना को काफी गुस्सा आता है, वो थॉम के पास से उसका फोन निकाल लेती है और उसका लॉक भी खोल लेती है। अब नेक्स्ट डे कोरिया जो ही स्कूल आती है तो देखती है वही तीनों लड़की जो उसकी क्लासमेट होती है वो कोरिया के टेबल को तोड़ रही होती है जहाँ पे कोरिया अक्सर बैठा करती है और कोरिया से कहती है तुमने थॉम के साथ बहुत ही गलत किया, हम सब तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। वो लड़की सबसे कोरिया को पीटने को कहती है लेकिन कोरिया को मारने पर सबको डर लग रहा होता है क्योंकि कोरिया के ऊपर से थॉम ने ही रेड कार्ड रद्द कर दिया था। अभी वो लड़की थॉम को मैसेज करती है क्या मैं कोरिया के साथ रैगिंग करूं, तो उधर से परमिशन मिल जाता है। ये परमिशन थॉम नहीं बल्कि हाना दी होती है क्योंकि थॉम का फोन अभी हाना के पास होता है और अब सारे स्टूडेंट कोरिया के साथ बहुत ही बुरी तरह से रैगिंग करने लगता है और उसके स्कूटर को घसीटते हुए स्कूल से दूर उसी स्टेडियम की ओर ले जा रहा होता है। ये स्कूटर कोरिया का नहीं बल्कि उसकी फ्रेंड कनिंग का होता है और कोरिया भी भागते हुए उस स्कूटर को बचाने के लिए आती है लेकिन सब उस स्कूटर को वहीं पे पटक देता है जिसकी वजह से उस स्कूटर के कई पार्ट बहुत ही बुरी तरह से टूट जाता है। ये देखते ही कोरिया चिल्लाते हुए आती है और उस लड़के को बहुत ही जोर से धक्के मारती है। ये देखकर वो लड़का को गुस्सा आ जाता है और वो उठकर कोरिया को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। और इधर कविन एमजी को बताता है कि कोरिया के फोटो के पीछे एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का हाथ है, पर थॉम कहाँ है। तो एमजी कहता है कल रात बार में हाना आई थी और वो थॉम को अपने साथ ले गई। हाना का बिहेवियर काफी अलग था। ये सुनते ही कविन कहता है तुमने उसे जाने क्यों दिया, कहीं ये सब के पीछे हाना का तो हाथ नहीं है। वे दोनों तुरंत हाना के बारे में सारी डिटेल्स चेक करने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि प्राइमरी स्कूल में हाना उसके साथ पढ़ा करती थी और वो उस समय बहुत ही बदसूरत दिखा करती थी और हाना उसी बिजनेसमैन की बेटी है। इधर थॉम को जो ही होश आता है तो वो यहाँ से जाने लगता है और हाना को यहाँ देखकर कहता है मैं यहाँ पे कैसे आया। तो हाना कहती है कल रात तुम ज्यादा ड्रिंक करने के कारण काफी बेहोश हो गए थे, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेके आ गई। तो थॉम यहाँ से जाने के लिए अपने फोन को ढूंढने लगता है कि तभी हाना थॉम को
पीछे से जाके हक कर लेती है। ये देखकर थॉम तो एकदम से शॉक्ड हो जाता है और हाना से पूछता है ये सब क्या है। तो हाना कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए ही अमेरिका से यहाँ आई हूँ। हाना थॉम को वो सारी बातें बताती है कि मैं बचपन से ही तुम्हें पसंद करती हूँ, मैं कई बार तुमसे बात करने की कोशिश की लेकिन तुम हमेशा मेरी इंसल्ट करते रहे और मुझे बदसूरत कह के चले जाते थे, लेकिन ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर मैंने खुद को बदलने की ठान ली और अपने फेस की कई बार प्लास्टिक सर्जरी कराई। इतना दर्द सहा सिर्फ तुम्हारे लिए, और जब मैं खूबसूरत बन गई तो मुझे लगा कि अब तुम मेरे हो, लेकिन तभी हमारे बीच में कोरिया आ गई और मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर मैंने कोरिया के साथ क्या किया वो तो तुम जानते ही हो। अब थॉम को भी समझ में आ जाता है कि कोरिया के साथ अभी जो भी कुछ हो रहा है वो सब हान की प्लानिंग थी। मैं तुमसे कभी प्यार नहीं किया, चेहरे की सुंदरता कोई मायने नहीं रखती, तुम तब भी बदसूरत थी और अब भी दिमाग से बदसूरत हो। ये बोलकर थॉम कोरिया के पास जा ही रहा होता है कि तभी हाना कहती है रुक जाओ वरना मैं खुद को मार डालूंगी और फिर से अपने चेहरे को उसी तरह बना लूंगी। तभी थॉम हाना को रोकने लगता है जिसकी वजह से थॉम की हाथ भी कट जाता है और वो हाना को सॉरी बोलकर यहाँ से चला जाता है। इधर स्कूल में कोरिया के स्कूटर को सब मिलकर पूरी तरह से जला रहा होता है। ये देखते हैं कोरिया वहाँ पे भागते हुए अपने स्कूटर को बचाने आती है तो देखती है उसकी स्कूटर पूरी तरह से जल चुका होता है। ये देखकर कोरिया को गुस्सा आता है और वो उस लड़के को पकड़कर कहती है कुत्ती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे स्कूटर को छूने की। ये सुनते ही वो लड़का को गुस्सा आ जाता है और वो कोरिया को थप्पड़ मारने वाला ही होता है कि तभी वहाँ पे थॉम आ जाता है और उस लड़के के साथ साथ सबको बहुत ही बुरी तरह से पीटता है। लेकिन कोरिया उस समय से ही काफी चीख चिल्ला रही होती है जिसकी वजह से वो बेहोश होने लगती है। तभी थॉम उसे पकड़ लेता है और अपने गोद में उठा लेता है और कोरिया से कहता है सॉरी मैं तुम पे विश्वास नहीं किया और तुम्हें बचा भी नहीं सका। लेकिन कोरिया तो बस सिर्फ रोए जा रही होती है। अब थॉम कोरिया को अपने घर लेके आता है और अपने घर के स्टोर रूम में उसे छिपा के रखता है अपने मॉम के डर से, और सारी गलतियों के लिए वो कोरिया से माफी मांगता है और बताता है ये सबके पीछे हाना का हाथ है। ये सुनकर कोरिया कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हाना मेरे साथ ऐसा कर सकती है। तभी थॉम कोरिया के जख्म पे दवाई लगाने लगता है और कहता है वैसे अच्छा ही हुआ हाना हमारी जिंदगी में आई तभी मैं तुमसे मिल सका एक बिना मेकअप करने वाली लड़की से। ये सुनकर कोरिया कहती है क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तो थॉम कहता है बिल्कुल नहीं मैं तो तुम्हारा तारीफ कर रहा हूँ। थॉम कोरिया को अपने गोद में सुला लेता है और उसे बातें कर ही रहा होता है तो देखता है कोरिया सो चुकी है। अब नेक्स्ट डे कोरिया की आंखें जो ही खुलती है तो देखती है वो अभी तक थॉम के घर पर ही है। तभी वहाँ पे थॉम की सर्वेंट आती है कोरिया के लिए नई स्कूल ड्रेस लेके, जिसे देखकर कोरिया काफी डर जाती है। तभी थॉम की सर्वेंट कहती है सर ने आपको ये पहनकर बाहर आने को कहा। अब कोरिया जो ही रेडी होकर बाहर आती है तो देखती है वहाँ पे बहुत सारे मोटरसाइकिल लगा होता है। तभी थॉम कोरिया को कॉल करता है और कहता है मुझे तुम्हारी मोटरसाइकिल की सिर्फ कलर ही याद थी इसलिए मैं वैसे ही कलर की बहुत सारी मोटरसाइकिल ले आया हूँ। अब तुम देख लो उसमें से कौन सा मोटरसाइकिल तुम्हारे दोस्त के मोटरसाइकिल से मिलता है वो तुम ले सकती हो अगर चाहो तो सारी ले जाओ। तो कोरिया कहती है इसकी क्या जरूरत थी। जिस पर थॉम कहता है तुम मेरी वजह से प्रॉब्लम में फंसी तो मेरा फर्ज बनता है तुम्हें प्रॉब्लम से निकालना। थॉम अभी कविन के साथ शोरूम में होता है और सारे मोटरसाइकिल के पैसे पे कर रहा होता है। तभी थॉम कोरिया से पूछता है क्या तुम्हें वो लड़के के अलावा और कोई परेशान किया। तो कोरिया कहती है नहीं पर तुम वे सारे लड़के को भी परेशान नहीं करोगे। तो थॉम कहता है ठीक है नहीं करूंगा लेकिन इधर तो एमची वे सारे लड़के को बहुत ही बुरी तरह से पीट के उल्टा लटकाया। इधर हाना हमेशा हमेशा के लिए स्कूल छोड़कर जा रही होती है कि तभी वहाँ पे कोरिया आ जाती है और हाना से कहती है मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगी मैं तो तुम्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड मानती थी। कोरिया इस समय काफी रो रही होती है तो हाना उसे सॉरी बोलकर यहाँ से चली जाती है। अब कोरिया जो ही अपना लॉकर खोलती है तो देखती है उसमें वही मिल्क का डब्बा होता है जो हाना कोरिया के लिए रखी होती है और उस पे लिखा होता है सॉरी और ऊपर से थॉम ये सब देख रहा होता है। अब हाना कैंटीन में बैठ के वही मिल्क पी रही होती है कि तभी वहाँ पे वे तीनों लड़कियाँ आती है और हाना से कुछ कहने वाली ही होती है कि तभी उधर से थॉम आ जाता है। अब से कोई स्टूडेंट कोरिया को परेशान नहीं करेगा क्योंकि ये आज से मेरी गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर कोरिया कहती है क्या तुम ये क्या बोल रहे हो। तो थॉम कहता है तुमने ही तो रात में कहा था जब मैं तुमसे नींद में पूछा था कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तो तुमने कहा हाँ। तो कोरिया कहती है उस समय मैं सोई थी मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो थॉम कहता है रात को तो तुमने मुझे किस भी की थी। ये सुनकर कोरिया काफी शॉक्ड हो जाती है और थॉम को पीटने लगती है। तभी कविन और एमजी इसे देखकर कहता है ये दोनों की लड़ाई
कभी खत्म नहीं होगी। उसी वक्त उधर से रेन फ्रांस से वापस आ जाता है और कोरिया थॉम को एक साथ देखकर वो काफी हैरान हो जाता है और कहता है तुम लोग अब तक नहीं सुधरे। वो लगातार कोरिया को ही देखे जा रहा होता है और उसके नजदीक जाके कोरिया से कहता है कुछ बदला बदला सा लग रहा है। वो कोरिया को टच कर ही रहा होता है, ये देखते ही थॉम तुरंत कोरिया को पकड़ लेता है और कहता है अब हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तो कोरिया कहती है नहीं ये झूठ बोल रहा है। तभी रेन भी कहता है मैं तुम दोनों को साथ देखकर बहुत ही खुश हूँ। तभी थॉम रेन को कहता है तुम काफी थक गए होगे ना चलो घर चलते हैं। लेकिन रेन अभी कोरिया को ही लगातार घूरे जा रहा होता है और थॉम उधर से रेन को बुला रहा होता है तो रेन यहां से चला जाता है। इधर थॉम की मॉम अपनी कंपनी के दूसरे ब्रांच सिंगापुर में होती है और तभी अपनी डॉटर टीना को बुलाती है और कहती है ये फोटो देखो। टीना जो ही वो फोटो देखती है तो उसमें थॉम और कोरिया का साथ वाला फोटो होता है। तो टीना अपनी मॉम के सामने झूठ बोलने लगती है और कहती है इससे पहले मैं इस लड़की को कभी नहीं देखा। तो उसकी मॉम कहती है कोई बात नहीं आगे भी फोटो है उसे भी देखो। तो टीना जो ही पेपर उल्टाती है तो देखती है उसमें कोरिया के साथ टीना भी होती है। अब टीना समझ जाती है कि उसकी मॉम को सब पता चल चुका है। तभी उसकी मॉम टीना से कहती है तुम वापस थाईलैंड जाओ और थॉम को कोरिया से दूर रहने को कहो वरना काफी बुरा हो सकता है। इधर कोरिया फ्लावर स्टोर में होती है जहाँ पे उस फ्लावर शॉप के ओनर और कनिंग कोरिया से पूछता है अब रेन यहाँ आ चुका है तो अब तुम उन दोनों में से किसे चुनोगी। लेकिन कोरिया तो काफी कंफ्यूज होती है उसे पता नहीं चल रहा होता है कि मैं थॉम और रेन के बीच अब किसे चुनूं। तभी वो अपने फोन में जो ही इंस्टाग्राम खोलती है तो देखती है F4 ग्रुप रेन के वापस आने की खुशी में सभी पार्टी कर रहा होता है जहाँ पे रेन भी पार्टी में लड़कियों के साथ किस कर रहा होता है। ये देखते ही कोरिया तो एकदम से शॉक्ड हो जाती है और उसी वक्त कोरिया का फोन भी बंद हो जाता है। वो काफी ट्राई करती है खोलने का लेकिन उसका फोन ऑन ही नहीं हो रहा होता है। नेक्स्ट डे स्कूल के असेंबली में प्रिंसिपल स्पीच दे रहा होता है लेकिन कोरिया अभी काफी परेशान होती है क्योंकि उसका फोन कल से ऑन ही नहीं हो रहा होता है। तभी उसे थॉम की आवाज सुनाई पड़ती है। वो जो ही सामने देखती है थॉम प्रिंसिपल को साइड करके खुद ही माइक लेके बोल रहा होता है तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो मैं कितना परेशान हूँ। ये सुनकर कोरिया को तो अब और गुस्सा आता है। अब कोरिया थॉम से मिलने साइड में आ जाती है जहाँ पे थॉम कोरिया को काफी डांट रहा होता है और कहता है मैंने तुम्हें कितना कॉल किया लेकिन तुमने एक बार भी मेरा कॉल नहीं उठाया। तो कोरिया कहती है मेरा फोन ही खराब हो गया है। थॉम को पहले से पता होता है कि कोरिया का फोन जरूर खराब होगा इसलिए वो कोरिया के लिए नया फोन लेके आया होता है। लेकिन कोरिया कहती है मुझे तुम्हारा फोन नहीं चाहिए मैं अपना फोन ठीक करा लूंगी। तो थॉम कहता है इसका मतलब तुम मेरा फोन नहीं लोगी। तो कोरिया कहती है बिल्कुल नहीं। तभी थॉम उस फोन को वहीं पे रख के यहां से जाने लगता है तो कोरिया उस फोन को उठा लेती है। तो थॉम कहता है देखो आखिरकार तुम्हें लेना पड़ा ही ना सैटरडे को हम फिर से डेट पर जाएंगे। कोरिया उसे कुछ बोलते उससे पहले ही थॉम यहां से चला जाता है। फिर भी कोरिया चिल्लाते हुए कहती है मैं तुम्हारे साथ डेट पर अब और नहीं जाऊंगी। कोरिया फिर से गुस्से से स्कूल के छत पे आती है। कोरिया यहां पे रेन को उसका रुमाल लौटाने आई होती है तो देखती है रेन उसके पीछे में ही खड़ा है और कोरिया से कहता है तुम फिर से मुझसे क्या छिपा रही हो। तो कोरिया कहती है कुछ भी नहीं मैं तो यहां पे तुम्हारी रुमाल लौटाने आई हूं। तभी कोरिया नोटिस करती है कि रेन के हाथों में अब स्केच पेन और कॉपी नहीं है जिसमें वो हर वक्त पेंटिंग किया करता था। वो रेन से इसके बारे में पूछती है तो रेन कहता है वो स्केच पेन कहीं खो गया लेकिन तुम्हारा थॉम के साथ डेट कैसा चल रहा है वे तुम्हें अब फिर से परेशान तो नहीं कर रहा है ना। तो कोरिया कहती है नहीं आप गलत समझ रहे हैं हम दोनों कोई रिलेशनशिप में नहीं है। तो रेन कहता है अगर हो भी तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम फिर से पहले की तरह ही फ्रेंड रहेंगे या इससे भी आगे रह सकते हैं सबसे छिपा के हम रिलेशनशिप में भी रह सकते हैं किसी को पता नहीं चलेगा। कोरिया रेन की बातें को सुनकर एकदम से शॉक्ड हो जाती है तो रेन कहता है मैं तो मजाक कर रहा था। तभी कोरिया उसका रुमाल लौटा के यहां से जाने लगती है तो रेन कहता है तुमने इसे अब तक संभाल के रखा था सच में जब कोई चीज हमसे खो जाता है तो हमें बाद में एहसास होता है कि वो हमारे लिए कितना कीमती था। कोरिया रेन की बातें को सुनकर समझ जाती है कि रेन मेरे बारे में ही बोल रहा है लेकिन कोरिया उसे बिना कुछ कहे यहाँ से चली जाती है। लेकिन कोरिया तो अब काफी कंफ्यूज होती है और रेन की ऐसी हरकतों पे वो काफी परेशान भी होती है। तभी कनिंग कोरिया से कहती है मैं तुमसे बहुत ही जेलस हूँ क्योंकि तुम्हारे प्यार में दो दो लड़के पागल है। तो कोरिया कहती है ऐसा बिल्कुल नहीं है मुझे तो डर लग रहा है अगर मैं थॉम को मना करूंगी कहीं वो फिर से कोई गलत कदम ना उठा ले। तभी कनिंग कहती है मैं और मेरा बॉयफ्रेंड जो घूमने जा रहे हैं क्यों ना तुम भी थॉम को वहीं पे बुलाओ और वहाँ पे अच्छे से उसे समझा देना। तभी कोरिया थॉम को कॉल करती है और उसे साथ में जो चलने को कहती है लेकिन थॉम मना कर देता है और वो उल्टा कोरिया को चिढ़ाने लगता है और कोरिया से कहता है जैसा मैं बोलूंगा तुम्हें वैसा ही बोलना होगा। तो कोरिया कहती है ठीक है बोलो। तभी थॉम बिल्ली की आवाज निकालने लगता है। ये सुनकर इधर से भी और उधर से भी सभी काफी हंस रहा होता है लेकिन कोरिया को तो काफी गुस्सा आ रहा होता है फिर भी वो किसी तरह थॉम के सामने बिल्ली की आवाज निकालती है। ये सब देखकर रेन कहने लगता है छोड़ो मैं ही कोरिया के साथ जो चला जाता हूँ। तो थॉम कहता है बिल्कुल नहीं मैं कोरिया के साथ जाऊंगा मैं तो बस मजाक कर रहा था। ये बोलकर वो फोन को काट देता है लेकिन ये सुनकर कोरिया को तो काफी गुस्सा आता है। वो चिल्लाते हुए बोलती है क्या वो अमीर बाप का बेटा है तो कुछ भी करेगा। उसी वक्त वहाँ पे थॉम की
सिस्टर टीना आ जाती है और वो अब कोरिया को उसके घर छोड़ने जा रही होती है और थॉम के बारे में जानकर वो काफी हंस रही होती है और कोरिया से कहती है कि थॉम अब काफी बदल गया है। लेकिन कोरिया टीना को कहती है पर आप काफी परेशान लग रहे हैं। टीना तो अपने मॉम को लेकर काफी परेशान होती है लेकिन वो कोरिया को कुछ भी नहीं बताती है और कहती है थॉम को अच्छे से संभालना। अब कोरिया का बस स्टॉप आ जाता है तो वो गाड़ी से नीचे उतर जाती है और अपना बस आने का इंतजार कर ही रही होती है कि तभी वो देखती है रेन फिर से मीरा के पोस्टर के आगे खड़ा है और उसे देख रहा होता है। तो कोरिया रेन के पास जाती है और उसे पूछती है क्या तुम्हारे और मीरा के बीच कुछ हुआ है। तो रेन कहता है बिल्कुल नहीं, मैं जब फ्रांस गया तो मैं मीरा के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया। ये बोलते बोलते रेन वो कोरिया के जूते को देख लेता है जिसका बेल्ट ठीक से नहीं लगा होता है तो वो उसे ठीक करने लगता है और वो कोरिया को भी बहुत ही प्यार से देख रहा होता है जिसकी वजह से कोरिया काफी नर्वस होने लगती है। वो रेन को बाय बोलकर जल्दी जल्दी यहाँ से निकल जाती है लेकिन कोरिया का फोन वहीं गिर जाता है और रेन उसे देख लेता है और कोरिया के जाते ही वो उसका फोन को उठा लेता है। इधर कोरिया घर आती है लेकिन वो काफी कंफ्यूज होती है कि वो अब थॉम और रेन में से किसे चुने। तभी कोरिया के पास उसका भाई आता है और कहता है थॉम तुमसे बात करना चाहता है। तो कोरिया जो ही फोन लेती है तो थॉम उस पे गुस्सा करने लगता है और पूछता है उसे तुम्हारा फोन कहाँ है। तो कोरिया उसे नहीं बताती है कि मैं आज रेन से मिली थी। वो झूठ बोलती है कि शायद मेरा फोन फ्लावर शॉप पे ही छूट गया होगा। तो थॉम कहता है ठीक है मैं तुम्हें इसलिए कॉल किया कि कल जो कितने बजे जाओगी। तो कोरिया उसे टाइम बता देती है और कहती है कल लेट मत होना। ये बोलकर वो फोन काट देती है और अपने भाई को फोन देती है कि तभी उसे याद आता है और अपने भाई से कहती है तुम्हारे पास ये नया फोन कहाँ से आया। तो उसका भाई कहता है थॉम ने दिया और मॉम डैड के लिए भी भेजा है। ये सुनकर कोरिया तो और ज्यादा परेशान हो जाती है। इधर रेन पेंटिंग करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन उसे कोई पेंटिंग बन ही नहीं रहा होता है कि तभी वहाँ पे थॉम आ जाता है और रेन से कहता है कल मैं जो जाने वाला हूँ क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं कौन से कपड़े पहनूं। तो रेन थॉम के लिए कपड़े सिलेक्ट करने जाता है और थॉम जो ही वहाँ का पिलो अपने गोद में उठा के रखता है कि तभी वो देख लेता है कि वहाँ पे कोरिया का फोन होता है और उसी वक्त उधर से रेन भी देख लेता है और वो थॉम से कहता है अच्छा हुआ तुम आ गए, ये फोन कोरिया को दे देना, वो जब आज मुझसे मिलने आई थी तो वो अपना फोन गलती से वहीं पे भूल गई। ये सुनकर थॉम काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो सोचने लगता है कि कोरिया रेन से बार बार क्यों मिलती है और तो और उसने मुझसे झूठ कहा कि वो अपना फोन फ्लावर शॉप पे ही भूल गई। अब नेक्स्ट डे थॉम जो जाने के लिए वहाँ पे कोरिया का इंतजार कर रहा होता है कि तभी उधर से कोरिया आती है और वो थॉम को सॉरी कहती है क्योंकि उसे काफी लेट हो गया होता है। थॉम कोरिया पे गुस्सा करने वाला ही होता है लेकिन कोरिया को देख कर वो काफी नर्वस हो जाता है और कहता है तुम अभी काफी ब्यूटीफुल लग रही हो। तो कोरिया बार बार थॉम से अपनी तारीफ करवाने की कोशिश कर रही होती है जिस पर थॉम कहता है मुझे परेशान करना बंद करो। तो कोरिया कहती है ठीक है लेकिन अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना क्योंकि कनिंग और उसका बॉयफ्रेंड भी आने वाला है। तो थॉम कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं लड़ाकू हूँ जो हर वक्त सबसे लड़ाई करता रहता है। उसी वक्त वहाँ पे कनिंग और उसका बॉयफ्रेंड टेस्ला आ जाता है जो कि पूरी तरह से प्ले बॉय होता है और थॉम जब उससे हाथ मिलाने की कोशिश करता है तो वो थॉम से हाथ भी नहीं मिलाता है, उल्टा उसका मजाक उड़ाने लगता है। लेकिन थॉम कोरिया की वजह से अपने गुस्से को कंट्रोल करके रखता है और अब सब जू के अंदर घूमने आ जाता है कि तभी टेस्ला जान बुझ के खाते खाते थॉम के ऊपर कुछ फेंकने लगता है। वो काफी ज्यादा अब थॉम को परेशान कर रहा होता है और अब थॉम का गुस्सा उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा होता है। वो टेस्ला को बहुत ही बुरी तरह से पीटने वाला होता है। ये देखते ही कनिंग तुरंत टेस्ला को यहाँ से लेके चला जाता है जिसकी वजह से थॉम अपना गुस्सा वही एक डॉल पे ही उतारने लगता है। ये देखते ही कोरिया उसे साइड में लेके जाती है और कहती है थैंक्स तुम उस समय से टेस्ला के बिहेवियर को बर्दाश्त कर रहे हो। तो थॉम कहता है मैं तो एक अच्छा बॉयफ्रेंड बनने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस पर कोरिया कहती है मैं तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड नहीं मानती। तो थॉम कहता है मुझे पता है लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा और फिर एक दिन तुम्हें जरूर एहसास होगा, तब तुम अपना डिसीजन मुझे बताना, अभी कोई जल्दी नहीं है। चलो एक सेल्फी लेते हैं। वे दोनों काफी देर तक यहाँ पे रुक कर एक दूसरे पे फनी कमेंट कर रहा होता है। तभी थॉम कोरिया का फोन निकाल कर उसे देने वाला ही होता है और कहता है कोरिया तुम्हारा फोन। तो कोरिया कहती है हाँ शायद मेरा फोन बस में ही छूट गया। ये सुनकर थॉम को काफी बुरा लगता है, फिर भी वो कोरिया से पूछता है क्या तुम उस दिन किसी से मिली थी। तो कोरिया झूठ बोलती है और कहती है बिल्कुल नहीं। ये सुनकर थॉम को और ज्यादा बुरा लगता है, वो यहाँ से चला जाता है। अब थॉम जो है जूस से बाहर निकलता है तो देखता है टेस्ला फोन पे अपने फ्रेंड से बातें कर रहा होता है और कहता है कोरिया काफी क्यूट है, अब मैं कनिंग को छोड़कर कोरिया को ही अपना गर्लफ्रेंड बनाऊंगा। ये बातें थॉम भी सुन लेता है। अब जब टेस्ला जो है पीछे मुड़ता है तो देखता है थॉम उसके पीछे खड़ा होता है और काफी गुस्से में होता है। वो समझ जाता है कि थॉम अब मुझे बहुत ही बुरी तरह से पीटने वाला है। वो कोई बहाना बनाकर यहाँ से निकलने की कोशिश करता है लेकिन थॉम उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगता है। तभी लड़ाई की आवाज को सुनकर वहाँ पे कोरिया और कनिंग भी आ जाती है। तो देखती है थॉम टेस्ला को बहुत ही बुरी तरह से पीट रहा होता है, तभी ये दोनों तुरंत टेस्ला को बचाती है। कोरिया तो उल्टा अब थॉम पे ही काफी गुस्सा कर रही होती है। तो थॉम कहता है शायद तुम्हें पता नहीं कि टेस्ला तुम्हारे बारे में कैसा सोचता है, लेकिन कोरिया उसकी एक बात
बात सुनने के लिए राजी नहीं होती है और उल्टा थॉम पे ही चिल्ला रही होती है और कहती है तुम कभी नहीं बदलोगे। ये सुनकर थॉम को भी गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ से चला जाता है और घर आकर कोरिया का गुस्सा अपने स्विमिंग पूल पे ही उतार रहा होता है और सारे टेबल चेयर को पानी में फेंक रहा होता है। वहीं पे टीना भी होती है जो कि थॉम की सारी हरकतें को देख रही होती है। तभी थॉम को कविन और एमके समझाने लगता है कि कोरिया एक अच्छी लड़की है, तुम ही जाके उसे माफी मांग लो। तो थॉम कहता है नहीं, इस बार उसकी गलती है, उसे माफी मांगनी होगी। तभी कविन थॉम को समझाता है कि रिलेशनशिप में झुकना पड़ता है, लेकिन थॉम किसी की बात ही नहीं मानता है कि तभी कविन झूठ बोलता है कि कोरिया का फोन आ रहा है। ये सुनते ही थॉम तुरंत पानी से निकल जाता है और कॉल को उठाने जाता है तो देखता है वो कविन ही उसे कॉल कर रहा होता है। ये देखते ही थॉम गुस्से से दोनों को पानी में धक्के दे देता है और खुद भी पानी के अंदर ही कूद जाता है। नेक्स्ट डे कोरिया स्कूल में होती है, तभी वो वहाँ पे एक न्यूज देखती है जिसे देखकर वो एकदम से शॉक्ड हो जाती है और भागते हुए स्कूल के छत पे जा रही होती है और नीचे थॉम फुटबॉल खेल रहा होता है तो वो कोरिया को देखते ही उसे आवाज लगाने लगता है, लेकिन कोरिया उसकी एक नहीं सुनती है। तो कविन और एमजे थॉम को चिल्लाने से रोकता है और कहता है तुम कोरिया के पास जाके उसे प्यार से बातें करना तो सब ठीक हो जाएगा। तभी ग्रुप में भी एक मैसेज आता है जिसे कविन जो ही देखता है तो वो भी एकदम से शॉक्ड हो जाता है, जहाँ मीरा फ्रांस में ही एक एक्टर को डेट कर रही होती है। अब सबको समझ में आता है कि रेन फ्रांस से वापस आने के बाद इतना क्यों बदल गया। इधर कोरिया भागते भागते रेन के पास आती है तो देखती है रेन काफी सैड होकर वहाँ पे खड़ा होता है। तभी कोरिया रेन के पास जाके उसे माफी मांगने लगती है, मैंने तुम्हें गलत समझा, जब तुम्हें सब पता था तो तुम फ्रांस क्यों गए। जिस पर रेन कहता है क्योंकि मैं एक बार और कोशिश करना चाहता था, मैंने देखा कि मीरा मुझसे काफी अलग है, जरूरी नहीं है कि हम जिससे प्यार करें वो भी हमसे प्यार करे, मैं उसके रास्ते में नहीं आना चाहता था और ना ही मैं उसे खुशी दे पा रहा था क्योंकि मैं मीरा के काबिल नहीं था, अगर मैं परफेक्ट होता तो उसे किसी और से प्यार नहीं होता। ये बोलते बोलते रेन काफी ज्यादा रोने लगता है जिसे देखकर कोरिया भी काफी रो रही होती है और कहती है ये मिस अंडरस्टैंडिंग भी तो हो सकती है ना। तो रेन कहता है बिल्कुल नहीं, मैं इस बार पूरी तरह से क्लियर हूँ, मीरा उस एक्टर को ही पसंद करती है, मुझसे नहीं। तभी कोरिया देखती है कि वहाँ पे वही पेंटिंग बुक रखा होता है जिस पर रेन हमेशा कुछ ना कुछ पिक्चर बनाता रहता था और उसके लास्ट के पेज पे लिखा होता है कि तुम्हें मुझसे भी बेहतर कोई लड़की मिल जाएगी। ये पेंटिंग बुक रेन जानबूझ के मीरा के घर पे ही छोड़ाया था तो मीरा इसे कोरियर करके फ्रांस से भिजवाई होती है। तभी थॉम कहता है मैं एक बेकार इंसान हूँ, अच्छा ही हुआ कि मीरा को एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिल गया। ये सुनते ही कोरिया चिल्लाते हुए कहती है तुम बेकार नहीं हो, तुम मेरे लिए सबसे कीमती हो, अगर उस रात तुम मुझे उस लड़कों से नहीं बचाती तो वे लोग मेरा गलत वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल देता और आज मैं यहाँ नहीं होती। ये बोलकर कोरिया काफी जोर जोर से रोने लगती है तो रेन उसे चुप कराने के लिए अपने गले से लगा लेता है, लेकिन दूसरे साइड से थॉम ये दोनों को देख रहा होता है और गुस्से से यहाँ से चला जाता है। वो यहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी स्कूल का एक बॉय थॉम को कुछ बोलता है। ये सुनते ही थॉम उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगता है। उसी वक्त वहाँ पे रेन और कोरिया भी आ जाती है तो थॉम वे दोनों को देखते ही केविन और एमजी से कहता है अब F4 ग्रुप में केवल तीन ही लोग रहेगा, अब रेन इस ग्रुप का हिस्सा नहीं है और अब ना ही तुम मेरे फ्रेंड हो। थॉम यहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी कोरिया उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन थॉम एक बात भी उसका नहीं सुनता है और कहता है धोखेबाज कहेगी। वो कोरिया को उसका फोन थमा के यहाँ से चला जाता है। अब अपने फोन को थॉम के पास देखकर कोरिया तो एकदम से शॉक्ड हो जाती है। तभी थॉम की फिर से लड़ाई करने की आवाज सुनाई देने लगती है तो कोरिया भागते हुए आती है तो देखती है थॉम यहाँ पर भी हर चीज को पटक रहा होता है। तो कोरिया किसी तरह थॉम को एक रूम के अंदर लेके आ जाती है और कहती है रेन ने क्या गलती किया है कि तुमने उसे अपने ग्रुप से बाहर निकाल दिया। ये सुनकर थॉम को और ज्यादा गुस्सा आता है, वो कोरिया से कहता है चुप हो जाओ बेशर्म, अभी उसी की सेट ले रही हो। वो कोरिया पे हाथ उठाता है लेकिन वो कोरिया को मारता नहीं, खुद ही काफी रोने लगता है और यहाँ से चला जाता है। अब कोरिया फ्लावर शॉप पे होती है और कनिंग को सारी बातें बता ही रही होती है कि उसी वक्त वहाँ पे रेन आ जाता है और कोरिया से कहता है क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी, तो कोरिया उसके साथ डेट पे चली जाती है। इधर थॉम के घर पे आके कविन और एम के उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन थॉम किसी की बात नहीं मानता है। तभी कविन थॉम को वही न्यूज दिखाता है और कहता है देखो मीरा ने भी रेन को छोड़ दिया, हम सबको अभी उसका साथ देना चाहिए। लेकिन थॉम तो अभी काफी गुस्से में होता है और उसका फोन नीचे पानी में गिरा देता है। ये देखकर कविन और एमजे गुस्से से यहाँ से चला जाता है और एमजे से कहता है तुम यहाँ रह के थॉम को संभालो और मैं वहाँ जाके रेन को ढूंढता हूँ। इधर कोरिया और रेन एक दूसरे के साथ डेट पर आया होता है जहाँ पे दोनों काफी मस्ती कर रहा होता है। इधर कविन रेन को ढूंढते ढूंढते फ्लावर शॉप पे आ जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि रेन कोरिया के साथ डेट पर गया है। तो कवि कनिंग से कहता है कोरिया को फोन करके बुलाओ तभी उसके साथ रेन भी आएगा। इधर रेन और कोरिया एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा होता है कि तभी रेन कोरिया से पूछता है आज तुम्हें कैसा लगा मेरे साथ। तो कोरिया कहती है आज मुझे बहुत अच्छा लगा, जब मैं थॉम के साथ डेट पर आई थी तो वो मुझे काफी परेशान किया था। ये सुनकर रेन कोरिया से पूछता है अगर तुम्हें थॉम और मुझ में से किसी एक को चुनना हो तो तुम किसे चुनोगी। अब कोरिया के पास इसका कोई जवाब नहीं होता है, वो
कुछ नहीं बोलती है कि तभी उसके हाथों से फोन गिरने लगता है, तो कोरिया और रन दोनों उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, जिसकी वजह से वे दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाता है और दोनों किस करने वाला ही होता है कि तभी कोरिया को थॉम की याद आने लगती है। कोरिया तुरंत वहां से हट जाती है और कहती है अब हमें चलना चाहिए, कनिंग ने मैसेज किया है हमसे मिलने के लिए, वो आ रही है। इधर कविन और कनिंग कोरिया और रन का आने का इंतजार कर रहा होता है कि तभी कनिंग टेस्ला को देख लेती है और उसे आवाज लगाने लगती है, लेकिन टेस्ला तो यहाँ किसी दूसरे लड़की के साथ होता है। ये देखकर कनिंग एकदम से शॉक्ड हो जाती है और साथ में काफी इमोशनल भी, और यहाँ से भाग के एकांत में बैठ के काफी रो रही होती है कि तभी वहाँ पे कविन आ जाता है और कनिंग से कहता है फालतू इंसान के लिए आंसू नहीं बहाना चाहिए, चलो टेस्ला को सबक सिखाते हैं। इधर टेस्ला अपने न्यू गर्लफ्रेंड के साथ होता है, जहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड टेस्ला से कहती है एक बहुत ही महंगे बैग खरीदने को, लेकिन टेस्ला उसे मना कर रहा होता है। इतने में ही वहाँ पे कविन आ जाता है तो टेस्ला की गर्लफ्रेंड उसे देखते ही उस पर लाइन मारने लगती है, क्योंकि सबको पता होता है कि कविन कितना रईस है और साथ में काफी हैंडसम भी होता है। तभी कविन टेस्ला की गर्लफ्रेंड से कहता है तुम इसमें से कोई एक पर्स को पसंद कर सकती हो। ये सब देखकर टेस्ला को गुस्सा आता है और वो कविन से कहता है तुम मेरी गर्लफ्रेंड से क्यों बातें कर रहे हो। तभी टेस्ला की गर्लफ्रेंड खुद ही टेस्ला को बोल देती है कि मुझे तुम्हारे ऐसा बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए। ये सुनकर टेस्ला गुस्से से यहाँ से चला जाता है। अब कविन जो है उस पर्स को बाय करता है तो वो टेस्ला की गर्लफ्रेंड से कहता है मैं ये पर्स अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ले रहा था, पर्स चूज करने के लिए थैंक्स। ये बोलकर कविन यहाँ से चला जाता है। इधर टेस्ला के सामने अचानक से कनिंग आ जाती है तो टेस्ला को लगने लगता है कि इसे मेरे बारे में शायद कुछ भी पता नहीं है। तभी वहाँ पे कविन वो पर्स लेके आ जाता है और कनिंग से कहता है क्या तुम इसे जानती हो, तो कनिंग कहती है नहीं। वे दोनों यहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी टेस्ला पीछे से कहता है तुम F4 ग्रुप वाले लड़कों को हो गया क्या है, तुम लोगों को क्या भिखारी लड़कियां ही पसंद आती है, एक वो तुम्हारा दोस्त थॉम जो कोरिया के पीछे पागल है, एक बार मैं उस लड़की के बारे में कुछ बोल क्या दिया वो तो मुझे बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगा। ये बातें उधर से रेन और कोरिया भी सुन रही होती है। तभी कोरिया तुरंत टेस्ला के सामने आ जाती है और कहती है क्या बुराई है हम जैसी लड़कियों में, तो टेस्ला कहता है तुम्हारी जैसी लड़कियों को यूज करके फेंक देना चाहिए, वो बेवकूफ थॉम पता नहीं क्यों तुम्हें इतना वैल्यू देता है। ये सुनते ही कोरिया टेस्ला को एक जोरदार लात मारती है और कहती है अगर तुमने एक शब्द और मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में गलत कहा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, वो तुम जैसे लड़कों में से नहीं है। तभी वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है तो कोरिया यहाँ से भाग जाती है और रेन कविन कनिंग ये सब देख रहा होता है। लेकिन इधर थॉम तो अपने रूम को लॉक करके अकेला बैठा होता है और बाहर से एमटी भी उसके रूम के पास होता है और वो बार बार थॉम को मनाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन थॉम उसकी एक बात नहीं मानता है। तभी उधर से रेन का मैसेज आता है कि मैं क्वार्टर स्टेडियम में हूँ क्या तुम आ सकते हो, तो थॉम गुस्से में ही तुरंत वहाँ जाने लगता है तो एमटी उसे रोकता है, लेकिन थॉम उसका एक नहीं सुनता है और कहता है मैं बहुत समय से ये मौका ढूंढ रहा था, मैं खुद भी उसे बात करना चाहता हूँ। थॉम तुरंत वहाँ पे पहुँच जाता है और रेन से कहता है मैंने गुस्से में तुम्हें बहुत कुछ बोल दिया, तुम F4 ग्रुप से बाहर नहीं हो, हम सब बचपन से ही फ्रेंड है, मैं एक लड़की के लिए ये सब कैसे कर सकता हूँ, मुझे अब कोरिया में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम चाहो तो कोरिया को ले सकते हो क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं करती। तभी रेन थॉम के पास आके कहता है मैं कोरिया को अपने पास रख लेता हूँ और उसका यूज करके फिर उसे छोड़ दूंगा। ये सुनते ही थॉम को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो रेन को बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगता है। वे दोनों को लड़ाई करते देखकर एमजी बीच में उसे रोकने आता है तो थॉम उसे भी बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगता है, जिसकी वजह से F4 ग्रुप के बॉयज के बीच आपस में काफी लड़ाई होने लगता है। वे लोग थक भी जाते हैं फिर भी लड़ाई खत्म नहीं होता है और थॉम रेन से कहता है तुम कोरिया के बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकते हो, वो मेरे लिए बहुत ही अहम है, मैं उसे प्यार करता हूँ। ये सुनते ही रेन हंसने लगता है और थॉम से कहता है यही बातों में तुम्हारे मुंह से निकलवाना चाहता था जिसकी वजह से मुझे ये सब नाटक करना पड़ा। और इधर टीना कोरिया को मैसेज करके बता देती है क्वार्टर स्टेडियम में उन चारों के बीच काफी लड़ाई हो रही है। ये मैसेज देखते ही कोरिया तुरंत वहाँ जाती है और यहाँ पे थॉम रेन से कहता है तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी, जिस पर रेन कहता है अगर नहीं करता तो तुम्हें कोरिया के प्यार का एहसास कैसे होता, मैंने आज देखा कोरिया तुमसे बहुत प्यार करती है, वो तुम्हारे लिए किसी से भी लड़ सकती है। ये सुनकर थॉम हंसने लगता है और चारों के चारों एक दूसरे को सॉरी बोलकर गले लग ही रहा होता है कि तभी उधर से कोरिया भागते हुए आ जाती है तो उसे पता चलता है कि ये चारों ने काफी लड़ाई किया है। कोरिया थॉम को बहुत ही प्यार से देखते हुए उसके पास आती है और आते ही वो थॉम को बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगती है। ये देखकर कविन कहता है हम लोगों की लड़ाई अब खत्म हो गई, चलो यहाँ से चलते हैं। तभी रन कहता है कोरिया आज थॉम को बता दो कि तुम उसे कितना प्यार करती हो जैसा कि तुमने आज मॉल में कहा था, तो कोरिया कहती है मैंने तो कुछ भी नहीं बोला, तो रन कहता है तुमने तो बोली थी कि थॉम तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तो कोरिया कहती है वो तुम्हें गुस्से में आके बोल दी, मेरा मतलब वो नहीं था। अब सब यहाँ से चला जाता है तो थॉम कोरिया से पूछता है तुम मुझसे प्यार करती हो ना। ये सुनते ही कोरिया फिर से थॉम से लड़ाई करने लगती है और इधर कविन और एमके रेन से कहता है तुम्हें इतना ड्रामा करने की क्या
जरूरत थी। टोरन कहता है थॉम ने मुझे बचपन से बहुत परेशान किया था, इसलिए मैं उसे पीट कर अपना बदला पूरा कर रहा था। ये सुनकर कविन और एमजी हंसने लगता है। इधर कोरिया थॉम के साथ होती है और कहती है उस दिन मैं टेस्ला की बातों में आकर तुमसे काफी लड़ाई कर ली, इसके लिए सॉरी। ये सुनते ही थॉम कोरिया को अपने गले से लगा लेता है और कहता है तुम पर मैं कभी गुस्सा नहीं कर सकता क्योंकि वो तुम ही हो जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। अब थॉम कोरिया को क्वार्टर स्टेडियम से बाहर लेके आता है और कहता है हर कोई यही सोचता है कि हमें पावरफुल बनना है, सभी मुझसे यही कहते थे, इसलिए मुझे खुद से ही डर लगने लगा कि कहीं मैं पावरफुल नहीं बन पाया तो क्या होगा, इसलिए मैं एक बहुत ही क्रूर और खतरनाक इंसान बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं तुम्हारी वजह से बदल गया, अब मुझे डर नहीं लगता और आज से कोई बच्चे को रेड कार्ड नहीं मिलेगा और अब कोई बच्चे को परेशान भी नहीं किया जाएगा। अब नेक्स्ट डे कोरिया जो ही अपने घर आती है तो देखती है थॉम की मॉम उसके घर पर आई होती है और कोरिया को देखते ही कहती है तुम लोग इतने बदबूदार जगह में कैसे रहती हो, मुझे पता है तुम्हें बहुत सारे पैसे चाहिए ना, इसीलिए तो तुमने मेरे बेटे को फंसा रखा है, चलो बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए, $10 million या फिर $50 million। वो कोरिया को चेक काट के दे ही रही होती है लेकिन कोरिया कहती है मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, मैं आपके बेटे से प्यार पैसों के लिए नहीं की। ये सुनकर थॉम की मॉम कोरिया की और ज्यादा बेइज्जती करने लगती है जो कोरिया की मॉम को बर्दाश्त नहीं हो रहा होता है, वो काफी फ्रस्ट्रेट हो जाती है और वो थॉम की मॉम के ऊपर ही पानी फेंक देती है और कहती है मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारी सोच इतनी छोटी है, निकल जाओ मेरे घर से। ये सुनकर थॉम की मॉम को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सबको कहती है अब से तुम लोगों का बुरे दिन का शुरुआत हो गई। ये बोलकर थॉम की मॉम यहाँ से चली जाती है लेकिन तभी घर वाले कोरिया की मॉम की हिम्मत की दाद देने लगती है, तुम्हारी बात सुनते ही वो तुरंत यहाँ से उठकर चली गई। इधर थॉम अपने फ्रेंड्स के साथ क्रूज पे पार्टी कर रहा होता है, तभी कविन उसे पूछता है क्या तुम सच में कोरिया को लेकर ही अपनी आगे की जिंदगी जीना चाहते हो, तो थॉम कहता है हाँ बिल्कुल मैं उसे लेकर और ज्यादा सीरियस हो गया हूँ। अब नेक्स्ट डे थॉम जो ही कोरिया से मिलने जाता है तो वो उसे मिलती ही नहीं, थॉम हर तरफ कोरिया को ढूंढ रहा होता है, यहाँ तक कि वो रात के 12 बजे भी कोरिया के घर आकर उसे देखने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन कोरिया उसे कहीं नहीं मिलती है और ना ही उसका कॉल उठाती है क्योंकि कोरिया अपने घर चलाने के लिए और ज्यादा काम कर रही होती है जिसकी वजह से उसे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। और थॉम इधर कोरिया को ढूंढ ढूंढ के काफी परेशान हो गया होता है, इसीलिए वो अब कविन को कॉल करके कोरिया के बारे में पता लगाने को कहता है। तो कविन वही फ्लावर शॉप के अंदर आ जाता है तो देखता है कनिंग कुछ उतार रही होती है लेकिन वो गिरने ही वाली होती है कि तभी कविन जाके उसे तुरंत पकड़ लेता है, तो कनिंग उसे देखते ही रह जाती है और कहती है थैंक्स उस दिन टेस्ला को मजा चखाने में आपने मेरी बहुत हेल्प की, आपकी वजह से मुझे टेस्ला की सच्चाई पता चली। तो कविन कहता है कोई बात नहीं लेकिन याद रखना हमेशा अच्छे इंसान को बुरा इंसान ही मिलता है लेकिन उसे हमें खुद ही पहचानना पड़ता है, पर मुझे अभी ये बताओ कि कोरिया कहाँ पे है। तो कनिंग कोरिया के बारे में बताती है कि थॉम की मॉम ने कोरिया की डैड की कंपनी को बंद करवा दी जिसकी वजह से कोरिया के मॉम डैड अपने गाँव चले गए खेती करने के लिए और कोरिया भी अपने घर चलाने के लिए बहुत सारा काम कर रही है जिसकी वजह से उसे सोने का भी समय नहीं मिल रहा है। अब कविन जो ही थॉम को वो सारी बातें बताता है तो थॉम गुस्से से अपने मॉम के पास आता है और कहता है आपने कोरिया के मॉम डैड के साथ ऐसा क्यों किया, तो थॉम की मॉम कहती है जो भी मेरी बातें नहीं मानता है मैं उसके साथ ऐसा ही करती हूँ, जिस पर थॉम गुस्से से कहता है आप ये बेकार के काम कर करके परेशान नहीं होते हैं क्या। ये बोलकर थॉम यहाँ से चला जाता है। इधर कोरिया स्कूल से जाते वक्त अपने मॉम डैड से वीडियो कॉल पे बातें कर रही होती है, तभी उसके मॉम डैड कोरिया से कहती है कि उधर बहुत ही चोर हो गया है अपने घर का अच्छे से ध्यान रखना। तभी कोरिया के फोन का सिग्नल अचानक से कटने लगता है और कोरिया को भी महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। कोरिया तुरंत वहां से भाग जाती है और जाके छिप जाती है और कुछ देर के बाद जो ही वहां से बाहर निकलती है तो कोई उसे पीछे से पकड़ता है, तो कोरिया उस पे अटैक करने वाली ही होती है तो देखती है वो कोई और नहीं बल्कि थॉम होता है। तो कोरिया थॉम से कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जिस पर थॉम कहता है मैं भी तुम्हारा जस्ट सामने वाला घर लिया है, जब तक तुम्हारे मॉम डैड यहाँ पे नहीं आते हैं मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, जिस पर कोरिया कहती है तुम खुद का ख्याल नहीं रख सकते हो मेरा क्या रखोगे। इधर थॉम की सिस्टर टीना अपने मॉम से कहती है आपने कोरिया के साथ ऐसा क्यों किया, जिस पर उसकी मॉम कहती है गरीब लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, उसे महलों में रहने का सपना नहीं देखना चाहिए, अगर देखना है तो अपने दम पे देखे। अब थॉम कोरिया के घर के पास ही रह रहा होता है और जब रात में कोरिया सो रही होती है कि तभी उसे थॉम की चीखने की आवाज सुनाई पड़ती है, वो तुरंत वहां जाती है तो देखती है थॉम से पानी का पाइप ही नहीं बंद हो रहा होता है जिसकी वजह से वो चिल्ला रहा होता है और अब ऐसे ही हर रोज होने लगता है जिसकी वजह से कोरिया काफी ज्यादा इरिटेट हो जाती है और वो रात को थॉम की वजह से सो भी नहीं पा रही होती है। अब नेक्स्ट डे कोरिया जो ही स्कूल आती है तो वो अचानक से चिल्लाने लगती है जिसकी आवाज को सुनकर सारे बच्चे काफी डर जाता है क्योंकि कोरिया कनिंग से बातें कर रही होती है और कहती है अब तो मेरा रात को सोना भी हराम हो गया है, मुझे इतना परेशान करता है कि मैं रात को सो भी नहीं पा रही हूँ, वो बिल्कुल बच्चों की तरह करता है। तभी कोरिया को भी चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ती है, वो जो ही पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पे थॉम का बर्थडे का पोस्टर लगा होता है जिसे देखकर सारी लड़कियां काफी खुश हो जाती है लेकिन कोरिया तो काफी
परेशान होती है। इधर टीना थॉम को कॉल करके कहती है इस बार मॉम तुम्हारे बर्थडे के लिए काफी ज्यादा ही डेकोरेशन करवा रही है, कहीं उनके दिमाग में कोरिया को लेकर कोई प्लानिंग तो नहीं चल रही है। तो थॉम कहता है आप चिंता मत करो मैं सब संभाल लूंगा। थॉम के सिस्टर एक टीना ही होती है जो कोरिया को बहुत ही पसंद करती है। और इधर थॉम अपने सारे फ्रेंड्स को अपने घर बुलाता है और कहता है तुम लोग मेरी सारी चीजों में मदद करोगे और मैं कोरिया का हेल्प करूंगा। तो कविन कहता है हाँ ठीक है लेकिन अभी हम लोगों को बहुत ही जोरों से भूख लगा है। तो थॉम अपने फ्रेंड्स के लिए नूडल्स बनाता है और लेके आता है। ये देखकर सभी हंसने लगता है कि जो लड़का खुद से अपने घर में एक गिलास पानी नहीं ले सकता है वो आज खुद ही अपने हाथों से खाना बना रहा है। वे सभी खाना खा ही रहा होता है कि तभी थॉम कहता है रुको। थॉम टीवी के पास जाके उसे थपथपा के स्टार्ट करता है और सभी टीवी देखते हुए खाना खाता है। इधर टीना कोरिया को एक बहुत ही महंगी ड्रेस भिजवाई होती है थॉम की बर्थडे पार्टी में पहनकर आने के लिए, लेकिन कोरिया उस ड्रेस को देखकर काफी परेशान होती है क्योंकि उसे लगता है अगर ये बातें थॉम की मॉम को पता चलेगा तो वो क्या सोचेगी। तभी कोरिया का भाई उसे कहता है क्या तुम उस पार्टी में जाओगी। कोरिया कुछ बोलते ही कि तभी वहाँ पे थॉम धक्के मारते हुए टीवी को लेकर आ जाता है जिसकी वजह से कोरिया के हाथ से वो ड्रेस जाके खाने पे ही गिर जाता है। लेकिन थॉम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो कोरिया से कहता है देखो तुम्हारा टीवी कैसे अचानक से खराब हो गया, इसे जल्दी से ठीक करो। तो कोरिया उसे धक्के देके यहाँ से बाहर निकाल देती है और कहती है मैं बाद में इसे ठीक कर दूंगी। अब कोरिया उस ड्रेस को लेकर लॉन्ड्री के पास आती है लेकिन लॉन्ड्री वाले उस ड्रेस को साफ करने के लिए काफी पैसे मांगता है क्योंकि ये ड्रेस काफी महंगा लग रहा होता है। तभी अचानक से वहाँ पे एक लड़का आ जाता है और वो लॉन्ड्री वाला से कहता है मैंने भी ऐसे ही दाग धब्बे कम पैसों में साफ कराया है। तो लॉन्ड्री वालों को समझ आ जाता है कि अब मैं इस लड़की से और पैसे नहीं ठग सकता। वो उतने पैसे में ही कोरिया का ड्रेस साफ करने के लिए रेडी हो जाता है। अब नेक्स्ट डे कोरिया स्कूल जाने के लिए रेडी हो रही होती है तो देखती है थॉम उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया होता है और उसके भाई को भी रेडी कर रहा होता है। ये देखकर कोरिया तो काफी खुश हो जाती है। थॉम को इतना करते देखकर कोरिया थॉम से पूछती है क्या तुम्हें कुकीज बहुत ही पसंद है। तो थॉम कहता है हाँ। अब कोरिया स्कूल आती है और कुकीज की रेसिपी देख रही होती है कि कैसे उसे अपने घर में ही अपने हाथों से बनाया जाए। और वही पास में ही F4 ग्रुप का एक रूम होता है जहाँ पे थॉम अपने सारे फ्रेंड्स के साथ बैठ के बातें कर रहा होता है कि मैं उस घर में रह के पागल हो गया हूँ, अब जाकर मुझे यहाँ आराम मिला है, वहाँ पर तो पत्थर का बेड है, मुझे ठीक से नींद भी नहीं आती है। तभी कविन और एमची थॉम से पूछता है तो तुम अपने कपड़े कैसे साफ करते हो। तो थॉम कहता है मैं साफ नहीं करता, मैं बस कोरिया का सोने का वेट करता हूँ। कोरिया जैसे ही सो जाती है कि मैं अपने सारे कपड़े लॉन्ड्री में दे आता हूँ और मैंने 10 सर्वेंट को भी रखा है जो कोरिया से छिपा के मेरे सारे काम करता है और मोहल्ले की देखभाल भी करता है, लेकिन कोरिया इतनी बेवकूफ है कि वो जान ही नहीं पाएगी। थॉम अपने ही मगन में बोले जा रहा होता है तभी वो देखता है तो कोरिया उसके पास में ही खड़ी होती है और थॉम की सारी बातें सुन रही होती है। ये देखकर थॉम तो एकदम से शॉक्ड हो जाता है और कोरिया उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगती है। थोड़ी देर के बाद कोरिया स्कूल के सारे कचरे वहाँ फेंकने आती है तो देखती है वहाँ पर भी थॉम का बर्थडे पोस्टर लगा होता है। तो कोरिया गुस्से से मार्कर से उसके फेस को खराब कर देती है कि तभी वहाँ पे वो लड़का आ जाता है जो कोरिया को लॉन्ड्री में हेल्प किया था और वो कोरिया से कहता है मेरा नाम कयाल है और मैं यहाँ स्कॉलरशिप पे आया हूँ पढ़ने के लिए, मैं बाकी बच्चों की तरह रिच नहीं हूँ, मैं बहुत ही गरीब हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि तुम इस लड़के से काफी ज्यादा ही नफरत करती हो, क्या तुम्हें F4 ग्रुप पसंद नहीं है। मुझे भी पसंद नहीं है, चलो मिलकर इसकी पिटाई करते हैं। तो कोरिया काफी खुश हो जाती है। तभी कयाल थॉम के पोस्टर को पकड़ता है और कोरिया जी भर थॉम के चेहरे पर पंच मारने लगती है कि तभी वहाँ पे टीचर आ जाती है तो दोनों वहाँ से भाग जाता है। अब कयाल कोरिया को घर ड्रॉप करता है और कोरिया से कहता है अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम आए तो तुम मुझसे कह सकती हो। तो कोरिया कयाल को थैंक्स बोलती है और जो ही घर के अंदर आती है तो देखती है थॉम उसके लिए लंच तैयार करके रखा होता है और उस पे लिखा होता है सॉरी, और थॉम भी वही कोरिया के भाई के साथ बैठा होता है जिसकी वजह से कोरिया काफी खुश हो जाती है और सब साथ बैठ के खाना खाता है। अब रात को थॉम जब कोरिया के घर से अपने घर जा रहा होता है कि तभी कोरिया उसे कहती है क्या तुम वो घर अपने बर्थडे सेलिब्रेट करने नहीं जाओगे, क्योंकि अब कुछ ही मिनट बचे हैं। जिस पर थॉम कहता है क्या तुम मुझे बर्थडे मिस नहीं करोगी। ये सुनते ही कोरिया अपने घर को देखकर काउंट डाउन करने लगती है और थॉम अपनी आंखें बंद कर लेता है और जो ही 12 बजता है तो थॉम जो ही अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने कोरिया खड़ी होती है। ये देखकर वो काफी खुश हो जाता है और कोरिया भी उसे बर्थडे विश करती है। अब थॉम भी अपने सामने का घर जा रहा होता है कि तभी कोरिया उसे कहती है मैं तुम्हारे बर्थडे पार्टी में आऊंगी क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट तैयार किया है। ये सुनकर थॉम काफी खुश हो जाता है। अब नेक्स्ट डे कनिंग कोरिया और उसका भाई अपने हाथों से ही कुकीज बनाता है और उसे बहुत ही अच्छे से डेकोरेट भी करता है, लेकिन कोरिया टीना का भेजा हुआ ड्रेस नहीं पहनती है क्योंकि वो उसे पहले ही टीना को वापस कर दी होती है। कोरिया अपने कमाए हुए पैसों से ड्रेस खरीदती है
और उसे पहनकर उस पार्टी में आती है। कोरिया इस ड्रेस में काफी खूबसूरत लग रही होती है। तभी थॉम की मॉम कोरिया को देख लेती है और उसके पास आके कहती है, मेरी इतने जलील करने के बाद भी तुम यहाँ पे आ गई हो, तुम थॉम का पीछा छोड़ क्यों नहीं देती। तो कोरिया कहती है, मैं तो बस यहाँ थॉम को बर्थडे विश करने आई हूँ, मैं कुछ गलत नहीं कर रही जिसे मुझे जलील या शर्म होना चाहिए। ये सुनकर थॉम की मॉम गुस्से से यहाँ से चली जाती है। कोरिया की बातें इधर से कविन, एमजी और रणवीर सुन रहा होता है कि तभी ये सब कोरिया के पास आता है और कहता है, क्या बात है, तुम तो सच में लाजवाब हो, क्या जवाब देती हो। हम लोगों में से किसी की ऐसी हिम्मत नहीं हो पाई कि हम थॉम की मॉम से ऐसी बातें कर सके। जिस पर कोरिया कहती है, मैं यहाँ पे ज्यादा देर तक नहीं रुकूंगी, मैं थॉम के लिए कुछ लाई थी, उसे देने के बाद यहाँ से चली जाऊंगी। तो कविन कहता है, नहीं तुम नहीं जा सकती। वो कोरिया को अपने गोद में उठा लेता है और कहता है, तुम इस पार्टी के शान हो। तभी उधर से थॉम भी कोरिया को देख लेता है और वो उसके पास आता है। तो कोरिया थॉम को देखते ही कहती है, तुम आज काफी हैंडसम लग रहे हो। जिस पर थॉम भी कोरिया से कहता है, तुम भी आज काफी प्रीटी लग रही हो, लेकिन तुम अपने हाथों में पीछे क्या छुपा रही हो, क्या तुम मेरे लिए कुछ लेके आई हो। लेकिन कोरिया उसे नहीं दे रही होती है कि तभी उधर से थॉम की मॉम कुछ अनाउंसमेंट करती है और सबको वेलकम करते हुए कहती है, आज का दिन बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज यहाँ पे बहुत ही स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं। वो ये बोल ही रही होती है कि तभी उधर से बहुत सारे गार्ड्स एक लड़की को पकड़ने के लिए दौड़ रहा होता है और एक लड़की वहां से भागने की कोशिश कर रही होती है जिसकी वजह से सारे सामान टूट फूट रहा होता है और वो लड़की भागते भागते कोरिया के ऊपर ही आके गिर जाती है। ये देखते ही उधर से थॉम की मॉम कहती है, मिलिए मिस लीता से, ये थॉम की फियांसी है और बहुत ही जल्द इन दोनों की एंगेजमेंट होने वाली है। ये सुनकर थॉम तो एकदम से शॉक्ड हो जाता है। अब सबको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब करे तो करे क्या। तभी थॉम अपने मॉम के पास जाके बोलता है, ये आप क्या कर रहे हैं। लेकिन उसकी मॉम थॉम की बातें को नजरअंदाज कर देती है और अपने गार्ड से बोलकर थॉम को पकड़ने को कहती है। तभी कविन और एमजी थॉम की तरफ एक गाड़ी का की फेंकता है और थॉम को जल्दी से यहाँ से भागने को कहता है। तो थॉम यहाँ से भागने लगता है और भागते भागते वो कोरिया को भी अपने साथ ले जाता है। लेकिन कोरिया तो अभी भी पार्टी में ही होती है क्योंकि थॉम कोरिया की जगह लीता को ही लेके आ गया होता है और वो जो ही लीता को देखता है तो एकदम से शॉक्ड हो जाता है। और ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। अगर ड्रामा एक्सप्लेन आपको अच्छा लगा हो तो बस एक लाइक कर दे एंड लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।